नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको बच्चन पांडे मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्य के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। बच्चन पांडे। बच्चन पांडे फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, कृति सनोन, जैकलिन फर्नांडिस और अरशद वारसी है। यह 2014 की तमिल फिल्म जिगरता की आधिकारिक रीमेक है, जो खुद 2006 की दक्षिण कोरियाई फिल्म ई डर्टी कार्निवल से प्रेरित थी। निर्देशक फरहाद सामजी द्वारा लिखित साजिद नाडियाडवाला, फरहाद सामजी, तुषार हीरा नंदानी, ईश्वर्ष खेत्रपाल, ताशा भामरा, जीशान कादरी पर आधारित जिगर ठंडा कार्तिक सुब्बाराज द्वारा निर्मित साजिद नाडियाडवाला, अभिनीत अक्षय कुमार, कृति सनोन, जैकलिन फर्नांडिस, अरशद वारसी, पंकज त्रिपाठी, छायांकन गैबेमिक यू आर द्वारा संपादित चारुश्री राय, संगीत दिया है जूलियस पैकियम, प्रोडक्शन कंपनी नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित ए फिल्म्स। रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022। कार्यकारी समय 140 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 165 करोड़। बॉक्स ऑफिस 73.17 करोड़। फिल्म 18 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। भूखंड। एक नवोदित निर्देशक मायरा देविकर को एक निर्माता द्वारा एक फिल्म बनाने के लिए एक मनोरंजक और हिंसक गैंगस्टर कहानी के साथ आने का काम दिया जाता है। निर्माता के व्यावसायिक दृष्टिकोण और यथार्थवादी फिल्म बनाने की उसकी भूख को संतुष्ट करने के लिए वह पटकथा के लिए एक वास्तविक जीवन के गैंगस्टर के जीवन का अध्ययन करने का फैसला करती है। उसके व्यापक शोध से बगवा के एक आंख वाले बच्चन पांडे को खतरा पैदा होता है, जो एक क्रूर गैंगस्टर है जो विचित्र लेकिन डरावने गुंडे से घिरा हुआ है। मायरा बगवा जाती है, जहाँ वह अपने सबसे अच्छे दोस्त बिशु से मिलती है और उसे बचपन पर अपने फिल्म विचार के बारे में बताती है। बिशु आग बबूला हो जाता है और उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन बाद में उसे फिल्म में उसकी मदद करने के लिए मना लिया जाता है। बिशु और मायरा दोनों बच्चन के करीब आने के प्रयास में उसके गुंडों को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। वर्जिन गुंडों में से एक उन्हें अपनी पूर्व प्रेमिका सोफी के बारे में बताता है, जिसे पूर्व द्वारा मार दिया गया था। बिशु और मायरा बच्चन के साथ उनकी बातचीत को सुनने के लिए वर्जिन के मोबाइल फ़ोन में एक माइक्रोफोन लगाते हैं। बाद में यह पता चलता है कि वर्जिन एक अन्य अपराधी राणा लोहिया के लिए बच्चन को धोखा दे रहा था, लेकिन उसके द्वारा पकड़ा गया और मार डाला गया। बिशु और मायरा मर्डर को माइक्रोफोन के जरिए सुनते हैं, लेकिन बच्चन के गिरोह द्वारा पकड़े जाते हैं। बच्चन बिशु और मायरा को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मायरा एक गैंगस्टर फिल्म का निर्देशन कर रही है, तो इस शर्त के तहत कि वह फिल्म के नायक की भूमिका निभाएगा, उन्हें छोड़ने के लिए सहमत हो गया। मायरा शुरू में स्वीकार नहीं करती है, लेकिन बच्चन अपने निर्माता का अपहरण कर लेता है और मायरा को स्क्रिप्ट विकसित करने के लिए उसकी बैक स्टोरी सुनने के लिए मजबूर किया जाता है। फ्लैशबैक में बच्चन एक भ्रष्ट राजनीतिक लालची भगत के लिए काम करता है। विवाद के बाद राजनीतिज्ञ ने बच्चन की प्रेमिका सोफी की हत्या करवा दी। प्रतिशोध में बच्चन ने अस्पताल में भगत की हत्या कर दी, जहां उसे घाव के लिए भर्ती कराया गया था। बच्चन और उनकी गुंडे अभिनय करना नहीं जानते हैं, इसलिए वे एक अभिनय कोच भावेश भोपालो के माध्यम से सीखते हैं। भावेश बच्चन और उसके गुंडों को मारता है और धमकाता है और अपमानित करता है उनके चिराग के लिए बहुत कुछ। फिर भी मायरा उन्हें फिल्म की खातिर भावेश को नुकसान पहुंचाने से मना कर देती करती है। बच्चन और मायरा जल्द ही एक दूसरे के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। फिल्म अंततः पूरी हो गई है फिर और सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। बच्चन और
उनके गुंडे शुरू में उत्साहित होते हैं हो जाते हैं और बीपी नाम की फिल्म को बढ़ावा देते हैं यह सोचते हुए कि यह किरकिरा गैंगस्टर नामा है जिसकी मार्केटिंग की गई थी। उनके आतंक के लिए फिल्म एक कॉमेडी बन जाती है जो उन्हें नकारात्मक रूप से चित्रित करती है। दूसरी ओर मायरा की फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित होती है और उसे अपने मीडिया और उसे निर्देशक से प्रशंसा मिलती है जो अक्सर उसकी बहुत आलोचना करते थे। बच्चन और गुंडे लोगों में उसका डर गायब करने के लिए उसे मारने का फैसला करते हैं लेकिन बाद में उसे बचते हैं क्योंकि बच्चन दिल से विकसित हो जाते हैं और अपनी कहानी सुनाते हैं कि उनकी माँ सुनने के लिए उनके कान बज रहे थे और उनके प्रशंसक भी प्रभावित हुए उसके द्वारा। बच्चन बाद में एक स्टार बन जाता है और काणी बच्चन का करीबी गुंडा बोरेंस फिल्में देखने की अपनी आदत छोड़ देते हैं। विशु को एक अनाम फिल्म में कुछ में मुख्य भूमिका मिलती है। भावेश भोपलो सर्वश्रेष्ठ अभिनय शिक्षक बन जाते हैं। बच्चन सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के रूप में पहचाने जाते हैं और मायरा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में। वह अपनी माँ का भी सम्मान अर्जित करता है जिसने 10 वर्षों में उसे बात नहीं की है। वह अपराधी बनना छोड़ देता है और अभिनेता बन जाता है। फेंकना गैंगस्टर बच्चन पांडे के रूप में अक्षय कुमार, मायरा देवीकर के रूप में कृति सेनन, बच्चन की प्रेमिका और निर्देशक सोफी, बच्चन की दिवंगत प्रेमिका के रूप में जैकलिन फर्नांडिस, विश्वकांत महात्रे, विशु के रूप में अरशद वारसी, मायरा के सबसे अच्छे दोस्त पंकज त्रिपाठी, गुरुजी भावेश भोपलो के रूप में वर्जिन के रूप में प्रतीक बब्बर, बफरिया चाचा के रूप में संजय मिश्रा, पेंडुलम के रूप में अभिमन्यु सिंह, जंबो के रूप में स्नेहल डावी, कांडी के रूप में शहर्ष कुमार गुप्ता, निर्माता राकेश वर्मा के रूप में अश्विन मुशरान, संतोष कुमार शुक्ल, सूर्यकांत मिश्रा के रूप में फिल्म निर्देशक के रूप में साजिद नाडियाडवाला, फिल्म निर्देशक के रूप में अहमद खान, पिंकी के रूप में अरुषा खान, मंत्री लालच के रूप में मोहन आगाशे, श्रीमती पांडे, बच्चन की मां के रूप में सीमा विश्वास, स्मिता के रूप में त्रिशा सिंह, वर्जिन की पत्नी सुरेंद्र राजन, मिदे देवेकर, मायरा के पिता के रूप में क्राइम रिपोर्टर के रूप में डॉली ठाकुर, के निर्देशक के रूप में नासिर अब्दुल्ला, भीम के रूप में गौरव चोपड़ा, बुलेट के रूप में नेत्राम तिवारी, कादरी के रूप में सुनील पाड़ूकर, गुलेरिया के रूप में अरुण खेडवाल, एंकर के रूप में विपुल राय, संगीत बच्चन पांडे द्वारा साउंडट्रैक एल्बम अमाल मलिक, बी प्राक, जानी विक्रम, मोन्ट्रोस और राय मुक्त 17 मार्च 2022, शैली पिक्चर फिल्म साउंडट्रैक, लंबाई 17:55, लेवल टी सीरीज, निर्माता भूषण कुमार, फिल्म का संगीत अमाल मलिक, बी प्राक, जानी विक्रम, मोन्ट्रोस और राय द्वारा रचित है जबकि गीत कुमार, जानी, फरहत, भिवंडी वाला, विक्रम मोन्ट्रोस और अजीम दयानी द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जूलियस पैकियम द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 मार्क हेगा, इस गाने के बोल फरहत, भिखंडी वाला, विक्रम मोन्ट्रोस और अजीम दयानी ने लिखे हैं। संगीत विक्रम मोन्ट्रोस ने दिया है। गायकार इस गाने के गायकार फरहत, भिवंडी वाला और विक्रम मोन्ट्रोस है। गाना नंबर 2 मेरी जान बोल जानी की है और गायकार वी प्राग हैं। गाना नंबर 3 सारे बोलो वे बाहरे जानी और इस गाने के गायकार संगीत दिया है जानी ने और इस गाने के गायकार वी प्राग हैं। गाना नंबर 4 ही रांझरा बोल लिखे कुमार ने, संगीत दिया है अमाल मलिक ने और इस गाने के गायकार अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल हैं। गाना नंबर 5 सीटी थीम बोल सहायक द्वारा है, संगीत राय ने दिया है और इस गाने के गायकार सहायक हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको बच्चन पांडे मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम
मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्य के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। बच्चन पांडे फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, कृति सनोन, जैकलिन फर्नांडिस और अरशद वारसी है। यह 2014 की तमिल फिल्म जिगरता की आधिकारिक रीमेक है, जो खुद 2006 की दक्षिण कोरियाई फिल्म ए डर्टी कार्निवल से प्रेरित थी। निर्देशक फरहाद सामजी द्वारा लिखित साजिद नाडियाडवाला, फरहाद सामजी, तुषार हीरा नंदानी, ईश्वर्ष खेत्रपाल, ताशा भामरा, जीशान कादरी पर आधारित जिगर ठंडा कार्तिक सुब्बाराज द्वारा निर्मित साजिद नाडियाडवाला, अभिनीत अक्षय कुमार, कृति सनोन, जैकलिन फर्नांडिस, अरशद वारसी, पंकज त्रिपाठी, छायांकन गैबेमिक यू आर्य द्वारा संपादित चारुश्री राय, संगीत दिया है जूलियस पैकियम, प्रोडक्शन कंपनी नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित ए फिल्म्स। रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022, कार्यकारी समय 140 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 165 करोड़, बॉक्स ऑफिस 73.17 करोड़। फिल्म 18 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। भूखंड, एक नवोदित निर्देशक मायरा देविकर को एक निर्माता द्वारा एक फिल्म बनाने के लिए एक मनोरंजक और हिंसक गैंगस्टर कहानी के साथ आने का काम दिया जाता है। निर्माता के व्यावसायिक दृष्टिकोण और यथार्थवादी फिल्म बनाने की उसकी भूख को संतुष्ट करने के लिए वह पटकथा के लिए एक वास्तविक जीवन के गैंगस्टर के जीवन का अध्ययन करने का फैसला करती है। उसके व्यापक शोध से बगवा के एक आँख वाले बच्चन पांडे को खतरा पैदा होता है, जो एक क्रूर गैंगस्टर है जो विचित्र लेकिन डरावने गुंडे से घिरा हुआ है। मायरा बगवा जाती है, जहां वह अपने सबसे अच्छे दोस्त बिशु से मिलती है और उसे बच्चन पर अपने फिल्म विचार के बारे में बताती है। बिशु आग बबूला हो जाता है और उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन बाद में उसे फिल्म में उसकी मदद करने के लिए मना लिया जाता है। बिशु और मायरा दोनों बच्चन के करीब आने के प्रयास में उसके गुंडों को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। भर्जिन गुंडों में से एक उन्हें अपनी पूर्व प्रेमिका सोफी के बारे में बताता है, जिसे पूर्व द्वारा मार दिया गया था। बिशु और मायरा बच्चन के साथ उनकी बातचीत को सुनने के लिए भर्जिन के मोबाइल फ़ोन में एक माइक्रोफोन लगाते हैं। बाद में यह पता चलता है कि भर्जिन एक अन्य अपराधी राणा लोहिया के लिए बच्चन को धोखा दे रहा था, लेकिन उसके द्वारा पकड़ा गया और मार डाला गया। बिशु और मायरा मर्डर को माइक्रोफोन के जरिए सुनते हैं, लेकिन बच्चन के गिरोह द्वारा पकड़े जाते हैं। बच्चन बिशु और मायरा को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मायरा एक गैंगस्टर फिल्म का निर्देशन कर रही है, तो इस शर्त के तहत कि वह फिल्म के नायक की भूमिका निभाएगा, उन्हें छोड़ने के लिए सहमत हो गया। मायरा शुरू में स्वीकार नहीं करती है, लेकिन बच्चन अपने निर्माता का अपहरण कर लेता है और मायरा को स्क्रिप्ट विकसित करने के लिए उसकी बैक स्टोरी सुनने के लिए मजबूर किया जाता है। फ्लैशबैक में बच्चन एक भ्रष्ट राजनीतिक लालची भगत के लिए काम करता है। विवाद के बाद राजनीतिज्ञ ने बच्चन की प्रेमिका सोफी की हत्या करवा दी। प्रतिशोध में बच्चन ने अस्पताल में भगत की हत्या कर दी, जहां उसे घाव के लिए भर्ती कराया गया था। बच्चन और उनके गुंडे अभिनय करना नहीं जानते हैं, इसलिए वे एक अभिनय कोच भावेश भोपालो के माध्यम से सीखते हैं। भावेश बच्चन और उसके गुंडों को मारता है और धमकाता है और अपमानित करता है उनके चिराग के लिए बहुत कुछ। फिर भी मायरा उन्हें फिल्म की खातिर भावेश को नुकसान पहुंचाने से मना कर देती करती है। बच्चन और मायरा जल्द ही एक दूसरे के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। फिल्म अंततः पूरी हो गई है फिर और सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। बच्चन और उनके गुंडे शुरू में उत्साहित हो जाते हैं और बीपी नाम की फिल्म को बढ़ावा देते हैं, यह सोचते हुए कि यह किरकिरा गैंगस्टर नामा है जिसकी मार्केटिंग की गई थी।
उनके आतंक के लिए फिल्म एक कॉमेडी बन जाती है जो उन्हें नकारात्मक रूप से चित्रित करती है। दूसरी ओर मायरा की फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित होती है और उसे अपने मीडिया और उसके निर्देशक से प्रशंसा मिलती है जो अक्सर उसकी बहुत आलोचना करते थे। बच्चन और गुंडे लोगों में उसका डर गायब करने के लिए उसे मारने का फैसला करते हैं, लेकिन बाद में उसे बचते हैं क्योंकि बच्चन दिल से विकसित हो जाते हैं और अपनी कहानी सुनाते हैं कि उनकी माँ सुनने के लिए उनके कान बज रहे थे और उनके प्रशंसक भी प्रभावित हुए उसके द्वारा। बच्चन बाद में एक स्टार बन जाता है और कहानी बच्चन का करीबी गुंडा बोरेंस फिल्में देखने की अपनी आदत छोड़ देते हैं। विशु को एक अनाम फिल्म में कुछ में मुख्य भूमिका मिलती है। भावेश भोपलो सर्वश्रेष्ठ अभिनय शिक्षक बन जाते हैं। बच्चन सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के रूप में पहचाने जाते हैं और मायरा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में। वह अपनी माँ का भी सम्मान अर्जित करता है जिसने 10 वर्षों में उसे बात नहीं की है। वह अपराधी बनना छोड़ देता है और अभिनेता बन जाता है। फेंकना गैंगस्टर बच्चन पांडे के रूप में अक्षय कुमार, मायरा देविकर के रूप में कृति सेनन, बच्चन की प्रेमिका और निर्देशक सोफी, बच्चन की दिवंगत प्रेमिका के रूप में जैकलिन फर्नांडिस, विश्वकांत महात्रे, विशु के रूप में अरशद वारसी, मायरा के सबसे अच्छे दोस्त पंकज त्रिपाठी, गुरुजी भावेश भोपलो के रूप में वर्जिन के रूप में प्रतीक बब्बर, बफरिया चाचा के रूप में संजय मिश्रा, पेंडुलम के रूप में अभिमन्यु सिंह, जम्बो के रूप में स्नेहल डावी, कांडी के रूप में सहर्ष कुमार गुप्ता, निर्माता राकेश वर्मा के रूप में अश्विन मुशरान, संतोष कुमार शुक्ल, सूर्यकांत मिश्रा के रूप में फिल्म निर्देशक के रूप में साजिद नाडियाडवाला, फिल्म निर्देशक के रूप में अहमद खान, पिंकी के रूप में अरुषा खान, मंत्री लालची लालच के रूप में मोहन अगाशे, श्रीमती पांडे, बच्चन की मां के रूप में सीमा विश्वास, स्मिता के रूप में त्रिशा सिंह, वर्जिन की पत्नी सुरेंद्र राजन, मिदे देवेकर, मायरा के पिता के रूप में क्राइम रिपोर्टर के रूप में डॉली ठाकुर, के निर्देशक के रूप में नासिर अब्दुल्ला, भीम के रूप में गौरव चोपड़ा, बुलेट के रूप में नेत्राम तिवारी, कादरी के रूप में सुनील पाड़ूकर, गुलेरिया के रूप में अरुण खेडवाल, एंकर के रूप में विपुल राय, संगीत बच्चन पांडे द्वारा साउंडट्रैक एल्बम अमाल मलिक, बी प्राक, जानी विक्रम, मोन्ट्रोस और राय मुक्त 17 मार्च 2022, शैली पिक्चर फिल्म साउंडट्रैक, लंबाई 17:55, लेवल टी सीरीज, निर्माता भूषण कुमार, फिल्म का संगीत अमाल मलिक, बी प्राक, जानी विक्रम, मोन्ट्रोस और राय द्वारा रचित है, जबकि गीत कुमार, जानी, फरहाद, भिवंडी वाला, विक्रम मोन्ट्रोस और अजीम दयानी द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जूलियस पैकियम द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 मार्क हेगा, इस गाने के बोल फरहाद, भिखंडी वाला, विक्रम मोन्ट्रोस और अजीम दयानी ने लिखे हैं। संगीत विक्रम मोन्ट्रोस ने दिया है। गायकार, इस गाने के गायकार फरहाद, भिवंडी वाला और विक्रम मोन्ट्रोस हैं। गाना नंबर 2 मेरी जान बोल जानी की हैं और गायकार वी प्राक हैं। गाना नंबर 3 सारे बोलो वे बहारे जानी और इस गाने के गायकार, संगीत दिया है जानी ने और इस गाने के गायकार वी प्राक हैं। गाना नंबर 4 ही रांझरा बोल लिखे कुमार ने, संगीत दिया है अमाल मलिक ने और इस गाने के गायकार अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल हैं। गाना नंबर 5 सीटी थीम बोल सहायक द्वारा है, संगीत राय ने दिया है और इस गाने के गायकार सहायक हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको बच्चन पांडे मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्य के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए।
जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। बच्चन पांडे फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, कृति सनोन, जैकलिन फर्नांडिस और अरशद वारसी है। यह 2014 की तमिल फिल्म जिगरदा की आधिकारिक रीमेक है, जो खुद 2006 की दक्षिण कोरियाई फिल्म ए डर्टी कार्निवल से प्रेरित थी। निर्देशक फरहाद सामजी द्वारा लिखित साजिद नाडियाडवाला, फरहाद सामजी, तुषार हीरा नंदानी, ईश्वर्ष खेत्रपाल, ताशा भामरा, जीशान कादरी पर आधारित जिगर ठंडा कार्तिक सुब्बाराज द्वारा निर्मित साजिद नाडियाडवाला, अभिनीत अक्षय कुमार, कृति सनोन, जैकलिन फर्नांडिस, अरशद वारसी, पंकज त्रिपाठी, छायांकन गैबेमिक यू आर ए द्वारा संपादित चारुश्री राय, संगीत दिया है जूलियस पैकियम, प्रोडक्शन कंपनी नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित ए फिल्म्स। रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022, कार्यकारी समय 140 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 165 करोड़, बॉक्स ऑफिस 73.17 करोड़। फिल्म 18 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। भूखंड एक नवोदित निर्देशक मायरा देविकर को एक निर्माता द्वारा एक फिल्म बनाने के लिए एक मनोरंजक और हिंसक गैंगस्टर कहानी के साथ आने का काम दिया जाता है। निर्माता के व्यावसायिक दृष्टिकोण और यथार्थवादी फिल्म बनाने की उसकी भूख को संतुष्ट करने के लिए वह पटकथा के लिए एक वास्तविक जीवन के गैंगस्टर के जीवन का अध्ययन करने का फैसला करती है। उसके व्यापक शोध से बगवा के एक आँख वाले बच्चन पांडे को खतरा पैदा होता है, जो एक क्रूर गैंगस्टर है जो विचित्र लेकिन डरावने गुंडे से घिरा हुआ है। मायरा बगवा जाती है, जहाँ वह अपने सबसे अच्छे दोस्त बिशु से मिलती है और उसे बचपन पर अपने फिल्म विचार के बारे में बताती है। बिशु आग बबूला हो जाता है और उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन बाद में उसे फिल्म में उसकी मदद करने के लिए मना लिया जाता है। बिशु और मायरा दोनों बच्चन के करीब आने के प्रयास में उसके गुंडों को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। बर्जिन गुंडों में से एक उन्हें अपनी पूर्व प्रेमिका सोफी के बारे में बताता है, जिसे पूर्व द्वारा मार दिया गया था। बिशु और मायरा बच्चन के साथ उनकी बातचीत को सुनने के लिए बर्जिन के मोबाइल फ़ोन में एक माइक्रोफोन लगाते हैं। बाद में यह पता चलता है कि बर्जिन एक अन्य अपराधी राणा लोहिया के लिए बच्चन को धोखा दे रहा था, लेकिन उसके द्वारा पकड़ा गया और मार डाला गया। बिशु और मायरा मर्डर को माइक्रोफोन के जरिए सुनते हैं, लेकिन बच्चन के गिरोह द्वारा पकड़े जाते हैं। बच्चन बिशु और मायरा को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मायरा एक गैंगस्टर फिल्म का निर्देशन कर रही है, तो इस शर्त के तहत कि वह फिल्म के नायक की भूमिका निभाएगा, उन्हें छोड़ने के लिए सहमत हो गया। मायरा शुरू में स्वीकार नहीं करती है, लेकिन बच्चन अपने निर्माता का अपहरण कर लेता है और मायरा को स्क्रिप्ट विकसित करने के लिए उसकी बैक स्टोरी सुनने के लिए मजबूर किया जाता है। फ्लैशबैक में बच्चन एक भ्रष्ट राजनीतिक लालची भगत के लिए काम करता है। विवाद के बाद राजनीतिज्ञ ने बच्चन की प्रेमिका सोफी की हत्या करवा दी। प्रतिशोध में बच्चन ने अस्पताल में भगत की हत्या कर दी, जहां उसे घाव के लिए भर्ती कराया गया था। बच्चन और उनके गुंडे अभिनय करना नहीं जानते हैं, इसलिए वे एक अभिनय कोच भावेश भोपालो के माध्यम से सीखते हैं। भावेश बच्चन और उसके गुंडों को मारता है और धमकाता है और अपमानित करता है उनके चिराग के लिए बहुत कुछ। फिर भी मायरा उन्हें फिल्म की खातिर भावेश को नुकसान पहुंचाने से मना कर करती है। बच्चन और मायरा जल्द ही एक दूसरे के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। फिल्म अंततः पूरी हो गई है फिर और सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। बच्चन और उनके गुंडे शुरू में उत्साहित हो जाते हैं और बीपी नाम की फिल्म को बढ़ावा देते हैं, यह सोचते हुए कि यह किरकिरा गैंगस्टर नामा है जिसकी मार्केटिंग की गई थी। उनके आतंक के लिए फिल्म एक कॉमेडी बन जाती है, जो उन्हें नकारात्मक रूप से चित्रित करती है। दूसरी ओर मायरा की फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित होती है और उसे अपने मीडिया और उसके निर्देशक से प्रशंसा मिलती है, जो अक्सर उसकी बहुत आलोचना करते थे। बच्चन और गुंडे
लोगों में उसका डर गायब करने के लिए उसे मारने का फैसला करते हैं, लेकिन बाद में उसे बचाते हैं क्योंकि बच्चन दिल से विकसित हो जाते हैं और अपनी कहानी सुनाते हैं कि उनकी माँ सुनने के लिए उनके कान बज रहे थे और उनके प्रशंसक भी प्रभावित हुए उसके द्वारा। बच्चन बाद में एक स्टार बन जाता है और कहानी बच्चन का करीबी गुंडा बोरेंस फिल्में देखने की अपनी आदत छोड़ देते हैं। विशु को एक अनाम फिल्म में कुछ में मुख्य भूमिका मिलती है। भावेश भोपलो सर्वश्रेष्ठ अभिनय शिक्षक बन जाते हैं। बच्चन सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के रूप में पहचाने जाते हैं और मायरा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में। वह अपनी माँ का भी सम्मान अर्जित करता है जिसने 10 वर्षों में उसे बात नहीं की है। वह अपराधी बनना छोड़ देता है और अभिनेता बन जाता है। फेंकना गैंगस्टर बच्चन पांडे के रूप में अक्षय कुमार, मायरा देवीकर के रूप में कृति सेनन, बच्चन की प्रेमिका और निर्देशक सोफी, बच्चन की दिवंगत प्रेमिका के रूप में जैकलिन फर्नांडिस, विश्वकांत महात्रे, विशु के रूप में अरशद वारसी, मायरा के सबसे अच्छे दोस्त पंकज त्रिपाठी, गुरुजी भावेश भोपलो के रूप में वर्जिन के रूप में प्रतीक बब्बर, बफरिया चाचा के रूप में संजय मिश्रा, पेंडुलम के रूप में अभिमन्यु सिंह, जंबो के रूप में स्नेहल डावी, कांडी के रूप में सहर्ष कुमार गुप्ता, निर्माता राकेश वर्मा के रूप में अश्विन मुशरान, संतोष कुमार शुक्ल, सूर्यकांत मिश्रा के रूप में फिल्म निर्देशक के रूप में साजिद नाडियाडवाला, फिल्म निर्देशक के रूप में अहमद खान, पिंकी के रूप में अरुषा खान, मंत्री लालची लालच के रूप में मोहन अगाशे, श्रीमती पांडे बच्चन की मां के रूप में सीमा विश्वास, स्मिता के रूप में दृशा सिंह, बर्जिन की पत्नी सुरेंद्र राजन, मिदे देवेकर, मायरा के पिता के रूप में क्राइम रिपोर्टर के रूप में डॉली ठाकुर, के निर्देशक के रूप में नासिर अब्दुल्ला, भीम के रूप में गौरव चोपड़ा, बुलेट के रूप में नेत्राम तिवारी, कादरी के रूप में सुनील पाड़ूकर, गुलेरिया के रूप में अरुण खेडवाल, एंकर के रूप में विपुल राय, संगीत बच्चन पांडे द्वारा साउंडट्रैक एल्बम अमाल मलिक, बी प्राक, जानी विक्रम, मोन्ट्रोस और राय मुक्त 17 मार्च 2022, शैली पिक्चर फिल्म साउंडट्रैक, लंबाई 17:55, लेवल टी सीरीज, निर्माता भूषण कुमार, फिल्म का संगीत अमाल मलिक, बी प्राक, जानी विक्रम, मोन्ट्रोस और राय द्वारा रचित है, जबकि गीत कुमार, जानी, फरहाद, भिवंडी वाला, विक्रम मोन्ट्रोस और अजीम दयानी द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जूलियस पैकियम द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 मार्क हेगा, इस गाने के बोल फिरहाद, भिखंडी वाला, विक्रम मोन्ट्रोस और अजीम दयानी ने लिखे हैं। संगीत विक्रम मोन्ट्रोस ने दिया है। गायकार, इस गाने के गायकार फरहाद, भिवंडी वाला और विक्रम मोन्ट्रोस हैं। गाना नंबर 2 मेरी जान बोल जानी की हैं और गायकार वी प्राक हैं। गाना नंबर 3 सारे बोलो वे बहारे जानी और इस गाने के गायकार संगीत दिया है जानी ने और इस गाने के गायकार वी प्राक हैं। गाना नंबर 4 ही रांझरा बोल लिखे कुमार ने, संगीत दिया है अमाल मलिक ने और इस गाने के गायकार अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल हैं। गाना नंबर 5 सीटी थीम बोल सहायक द्वारा है, संगीत राय ने दिया है और इस गाने के गायकार सहायक हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको बच्चन पांडे मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्य के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। बच्चन पांडे फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित 2022 की
भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, कृति सनोन, जैकलिन फर्नांडिस और अरशद वारसी है। यह 2014 की तमिल फिल्म जिगर्ता की आधिकारिक रीमेक है, जो खुद 2006 की दक्षिण कोरियाई फिल्म की डर्टी कार्निवल से प्रेरित थी। निर्देशक फरहाद सामजी द्वारा लिखित साजिद नाडियाडवाला, फरहाद सामजी, तुषार हीरानंदानी, ईश्वर्ष खेत्रपाल, ताशा भामरा, जीशान कादरी पर आधारित जिगर ठंडा कार्तिक सुब्बाराज द्वारा निर्मित साजिद नाडियाडवाला, अभिनीत अक्षय कुमार, कृति सनोन, जैकलिन फर्नांडिस, अरशद वारसी, पंकज त्रिपाठी, छायांकन गैबेमिक यूआरए द्वारा संपादित चारुश्री राय, संगीत दिया है जूलियस पैकियम, प्रोडक्शन कंपनी नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित ए फिल्म्स। रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022, कार्यकारी समय 140 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 165 करोड़, बॉक्स ऑफिस 73.17 करोड़। फिल्म 18 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। भूखंड, एक नवोदित निर्देशक मायरा देविकर को एक निर्माता द्वारा एक फिल्म बनाने के लिए एक मनोरंजक और हिंसक गैंगस्टर कहानी के साथ आने का काम दिया जाता है। निर्माता के व्यावसायिक दृष्टिकोण और यथार्थवादी फिल्म बनाने की उसकी भूख को संतुष्ट करने के लिए वह पटकथा के लिए एक वास्तविक जीवन के गैंगस्टर के जीवन का अध्ययन करने का फैसला करती है। उसके व्यापक शोध से बघवा के एक आँख वाले बच्चन पांडे को खतरा पैदा होता है, जो एक क्रूर गैंगस्टर है जो विचित्र लेकिन डरावने गुंडे से घिरा हुआ है। मायरा बघवा जाती है, जहां वह अपने सबसे अच्छे दोस्त बिशु से मिलती है और उसे बचपन पर अपने फिल्म विचार के बारे में बताती है। बिशु आग बबूला हो जाता है और उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन बाद में उसे फिल्म में उसकी मदद करने के लिए मना लिया जाता है। बिशु और मायरा दोनों बच्चन के करीब आने के प्रयास में उसके गुंडों को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। भर्जिन गुंडों में से एक उन्हें अपनी पूर्व प्रेमिका सोफी के बारे में बताता है, जिसे पूर्व द्वारा मार दिया गया था। बिशु और मायरा बच्चन के साथ उनकी बातचीत को सुनने के लिए भर्जिन के मोबाइल फ़ोन में एक माइक्रोफोन लगाते हैं। बाद में यह पता चलता है कि भर्जिन एक अन्य अपराधी राणा लोहिया के लिए बच्चन को धोखा दे रहा था, लेकिन उसके द्वारा पकड़ा गया और मार डाला गया। बिशु और मायरा मर्डर को माइक्रोफोन के जरिए सुनते हैं, लेकिन बच्चन के गिरोह द्वारा पकड़े जाते हैं। बच्चन बिशु और मायरा को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मायरा एक गैंगस्टर फिल्म का निर्देशन कर रही है, तो इस शर्त के तहत कि वह फिल्म के नायक की भूमिका निभाएगा, उन्हें छोड़ने के लिए सहमत हो गया। मायरा शुरू में स्वीकार नहीं करती है, लेकिन बच्चन अपने निर्माता का अपहरण कर लेता है और मायरा को स्क्रिप्ट विकसित करने के लिए उसकी बैक स्टोरी सुनने के लिए मजबूर किया जाता है। फ्लैशबैक में बच्चन एक भ्रष्ट राजनीतिक लालची भगत के लिए काम करता है। विवाद के बाद राजनीतिज्ञ ने बच्चन की प्रेमिका सोफी की हत्या करवा दी। प्रतिशोध में बच्चन ने अस्पताल में भगत की हत्या कर दी, जहां उसे घाव के लिए भर्ती कराया गया था। बच्चन और उनके गुंडे अभिनय करना नहीं जानते हैं, इसलिए वे एक अभिनय कोच भावेश भोपालो के माध्यम से सीखते हैं। भावेश बच्चन और उसके गुंडों को मारता है और धमकाता है और अपमानित करता है उनके चिराग के लिए बहुत कुछ। फिर भी मायरा उन्हें फिल्म की खातिर भावेश को नुकसान पहुंचाने से मना कर देती करती है। बच्चन और मायरा जल्द ही एक दूसरे के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। फिल्म अंततः पूरी हो गई है फिर और सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। बच्चन और उनके गुंडे शुरू में उत्साहित हो जाते हैं और बीपी नाम की फिल्म को बढ़ावा देते हैं, यह सोचते हुए कि यह किरकिरा गैंगस्टर नामा है जिसकी मार्केटिंग की गई थी। उनके आतंक के लिए फिल्म एक कॉमेडी बन जाती है, जो उन्हें नकारात्मक रूप से चित्रित करती है। दूसरी ओर मायरा की फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित होती है और उसे अपने मीडिया और उसके निर्देशक से प्रशंसा मिलती है, जो अक्सर उसकी बहुत आलोचना करते थे। बच्चन और गुंडे लोगों में उसका डर गायब करने के लिए उसे मारने का फैसला करते हैं, लेकिन बाद में उसे बचते हैं क्योंकि बच्चन दिल से विकसित हो जाते हैं और अपनी कहानी सुनाते हैं कि उनकी माँ सुनने के लिए उनके कान बज रहे थे और उनके प्रशंसक भी
प्रभावित हुए। उसके द्वारा बच्चन बाद में एक स्टार बन जाता है और काणी बच्चन का करीबी गुंडा बोनस फिल्में देखने की अपनी आदत छोड़ देते हैं। विशु को एक अनाम फिल्म में कुछ में मुख्य भूमिका मिलती है। भावेश भोपलो सर्वश्रेष्ठ अभिनय शिक्षक बन जाते हैं। बच्चन सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के रूप में पहचाने जाते हैं और मायरा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में। वह अपनी माँ का भी सम्मान अर्जित करता है जिसने 10 वर्षों में उसे बात नहीं की है। वह अपराधी बनना छोड़ देता है और अभिनेता बन जाता है। फेंकना गैंगस्टर बच्चन पांडे के रूप में अक्षय कुमार, मायरा देवीकर के रूप में कृति सेनन, बच्चन की प्रेमिका और निर्देशक सोफी, बच्चन की दिवंगत प्रेमिका के रूप में जैकलिन फर्नांडिस, विश्वकांत महात्रे, विशु के रूप में अरशद वारसी, मायरा के सबसे अच्छे दोस्त पंकज त्रिपाठी, गुरुजी भावेश भोपलो के रूप में बर्जिन के रूप में प्रतीक बब्बर, बफरिया चाचा के रूप में संजय मिश्रा, पेंडुलम के रूप में अभिमन्यु सिंह, जम्बो के रूप में स्नेहल डावी, कांडी के रूप में शहर्ष कुमार गुप्ता, निर्माता राकेश वर्मा के रूप में अश्विन मुशरान, संतोष कुमार शुक्ल, सूर्यकांत मिश्रा के रूप में फिल्म निर्देशक के रूप में साजिद नाडियाडवाला, फिल्म निर्देशक के रूप में अहमद खान, पिंकी के रूप में अरुषा खान, मंत्री लालची, लालच के रूप में मोहन अगाशे, श्रीमती पांडे, बच्चन की माँ के रूप में सीमा विश्वास, स्मिता के रूप में त्रिशा सिंह, बर्जिन की पत्नी सुरेंद्र राजन, मिदे देवेकर, मायरा के पिता के रूप में क्राइम रिपोर्टर के रूप में डॉली ठाकुर, के निर्देशक के रूप में नासिर अब्दुल्ला, भीम के रूप में गौरव चोपड़ा, बुलेट के रूप में नेत्राम तिवारी, कादरी के रूप में सुनील पाड़ूकर, गुलेरिया के रूप में अरुण खेडवाल, एंकर के रूप में विपुल राय, संगीत बच्चन पांडे द्वारा साउंडट्रैक एल्बम अमाल मलिक, बी प्राक, जानी विक्रम, मोन्ट्रोस और राय मुक्त 17 मार्च 2022, शैली पिक्चर फिल्म साउंडट्रैक, लंबाई 17:55, लेवल टी सीरीज, निर्माता भूषण कुमार, फिल्म का संगीत अमाल मलिक, बी प्राक, जानी विक्रम, मोन्ट्रोस और राय द्वारा रचित है, जबकि गीत कुमार, जानी, फरहत, भिवंडी वाला, विक्रम मोन्ट्रोस और अजीम दयानी द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जूलियस पैकियम द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 मार्क हेगा, इस गाने के बोल फरहत, भिखंडी वाला, विक्रम मोन्ट्रोस और अजीम दयानी ने लिखे हैं। संगीत विक्रम मोन्ट्रोस ने दिया है। गायकार, इस गाने के गायकार फरहत, भिवंडी वाला और विक्रम मोन्ट्रोस है। गाना नंबर 2 मेरी जान बोल जानी की है और गायकार वी प्राग हैं। गाना नंबर 3 सारे बोलो वे बाहरे जानी और इस गाने के गायकार संगीत दिया है जानी ने और इस गाने के गायकार वी प्राग हैं। गाना नंबर 4 ही रांझरा बोल लिखे कुमार ने, संगीत दिया है अमाल मलिक ने और इस गाने के गायकार अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल हैं। गाना नंबर 5 सीटी थीम बोल सहायक द्वारा है, संगीत राय ने दिया है और इस गाने के गायकार सहायक हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको बच्चन पांडे मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्य के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। बच्चन पांडे फरहत सामजी द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, कृति सनोन, जैकलिन फर्नांडिस और अरशद वारसी है। यह 2014 की तमिल फिल्म जिगरदा की आधारित
आधिकारिक रीमेक है जो खुद 2006 की दक्षिण कोरियाई फिल्म की डर्टी कार्निवल से प्रेरित थी। निर्देशक फरहाद सामजी द्वारा लिखित साजिद नाडियाडवाला, फरहाद सामजी, तुषार हीरानंदानी, ईश्वर्ष खेत्रपाल, ताशा भामरा, जीशान कादरी पर आधारित जिगर ठंडा कार्तिक सुब्बाराज द्वारा निर्मित साजिद नाडियाडवाला, अभिनीत अक्षय कुमार, कृति सनोन, जैकलिन फर्नांडिस, अरशद वारसी, पंकज त्रिपाठी, छायांकन गैबेमिक यू आर द्वारा संपादित चारुश्री राय, संगीत दिया है जूलियस पैकियम, प्रोडक्शन कंपनी नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित ए फिल्म्स। रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022, कार्यकारी समय 140 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 165 करोड़, बॉक्स ऑफिस 73.17 करोड़। फिल्म 18 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। भूखंड एक नवोदित निर्देशक मायरा देविकर को एक निर्माता द्वारा एक फिल्म बनाने के लिए एक मनोरंजक और हिंसक गैंगस्टर कहानी के साथ आने का काम दिया जाता है। निर्माता के व्यावसायिक दृष्टिकोण और यथार्थवादी फिल्म बनाने की उसकी भूख को संतुष्ट करने के लिए वह पटकथा के लिए एक वास्तविक जीवन के गैंगस्टर के जीवन का अध्ययन करने का फैसला करती है। उसके व्यापक शोध से बघवा के एक आँख वाले बच्चन पांडे को खतरा पैदा होता है, जो एक क्रूर गैंगस्टर है जो विचित्र लेकिन डरावने गुंडे से घिरा हुआ है। मायरा बघवा जाती है, जहाँ वह अपने सबसे अच्छे दोस्त बिशु से मिलती है और उसे बचपन पर अपने फिल्म विचार के बारे में बताती है। बिशु आग बबूला हो जाता है और उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन बाद में उसे फिल्म में उसकी मदद करने के लिए मना लिया जाता है। बिशु और मायरा दोनों बच्चन के करीब आने के प्रयास में उसके गुंडों को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। वर्जिन गुंडों में से एक उन्हें अपनी पूर्व प्रेमिका सोफी के बारे में बताता है, जिसे पूर्व द्वारा मार दिया गया था। बिशु और मायरा बच्चन के साथ उनकी बातचीत को सुनने के लिए वर्जिन के मोबाइल फ़ोन में एक माइक्रोफोन लगाते हैं। बाद में यह पता चलता है कि वर्जिन एक अन्य अपराधी राणा लोहिया के लिए बच्चन को धोखा दे रहा था, लेकिन उसके द्वारा पकड़ा गया और मार डाला गया। बिशु और मायरा मर्डर को माइक्रोफोन के जरिए सुनते हैं, लेकिन बच्चन के गिरोह द्वारा पकड़े जाते हैं। बच्चन बिशु और मायरा को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मायरा एक गैंगस्टर फिल्म का निर्देशन कर रही है, तो इस शर्त के तहत कि वह फिल्म के नायक की भूमिका निभाएगा, उन्हें छोड़ने के लिए सहमत हो गया। मायरा शुरू में स्वीकार नहीं करती है, लेकिन बच्चन अपने निर्माता का अपहरण कर लेता है और मायरा को स्क्रिप्ट विकसित करने के लिए उसकी बैक स्टोरी सुनने के लिए मजबूर किया जाता है। फ्लैशबैक में बच्चन एक भ्रष्ट राजनीतिक लालची भगत के लिए काम करता है। विवाद के बाद राजनीतिज्ञ ने बच्चन की प्रेमिका सोफी की हत्या करवा दी। प्रतिशोध में बच्चन ने अस्पताल में भगत की हत्या कर दी, जहां उसे घाव के लिए भर्ती कराया गया था। बच्चन और उनके गुंडे अभिनय करना नहीं जानते हैं, इसलिए वे एक अभिनय कोच भावेश भोपालो के माध्यम से सीखते हैं। भावेश बच्चन और उसके गुंडों को मारता है और धमकाता है और अपमानित करता है उनके चिराग के लिए बहुत कुछ। फिर भी मायरा उन्हें फिल्म की खातिर भावेश को नुकसान पहुंचाने से मना कर देती करती है। बच्चन और मायरा जल्द ही एक दूसरे के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। फिल्म अंततः पूरी हो गई है फिर और सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। बच्चन और उनके गुंडे शुरू में उत्साहित हो जाते हैं और बीपी नाम की फिल्म को बढ़ावा देते हैं, यह सोचते हुए कि यह किरकिरा गैंगस्टर नामा है जिसकी मार्केटिंग की गई थी। उनके आतंक के लिए फिल्म एक कॉमेडी बन जाती है, जो उन्हें नकारात्मक रूप से चित्रित करती है। दूसरी ओर मायरा की फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित होती है और उसे अपने मीडिया और उसके निर्देशक से प्रशंसा मिलती है, जो अक्सर उसकी बहुत आलोचना करते थे। बच्चन और गुंडे लोगों में उसका डर गायब करने के लिए उसे मारने का फैसला करते हैं, लेकिन बाद में उसे बचते हैं क्योंकि बच्चन दिल से विकसित हो जाते हैं और अपनी कहानी सुनाते हैं कि उनकी माँ सुनने के लिए उनके कान बज रहे थे और उनके प्रशंसक भी प्रभावित हुए उसके द्वारा। बच्चन बाद में एक स्टार बन जाता है और काणी बच्चन का करीबी गुंडा बोरेंस फिल्में देखने की अपनी आदत छोड़ देते हैं। विशु को एक अनाम फिल्म में मुख्य भूमिका मिलती है। भावेश
भोपलो सर्वश्रेष्ठ अभिनय शिक्षक बन जाते हैं, बच्चन सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के रूप में पहचाने जाते हैं और मायरा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में। वह अपनी माँ का भी सम्मान अर्जित करता है जिसने 10 वर्षों में उसे बात नहीं की है। वह अपराधी बनना छोड़ देता है और अभिनेता बन जाता है। फेंकना गैंगस्टर बच्चन पांडे के रूप में अक्षय कुमार, मायरा देवीकर के रूप में कृति सेनन, बच्चन की प्रेमिका और निर्देशक सोफी, बच्चन की दिवंगत प्रेमिका के रूप में जैकलिन फर्नांडिस, विश्वकांत महात्रे, विशु के रूप में अरशद वारसी, मायरा के सबसे अच्छे दोस्त पंकज त्रिपाठी, गुरुजी भावेश भोपलो के रूप में, वर्जिन के रूप में प्रतीक बब्बर, बफरिया चाचा के रूप में संजय मिश्रा, पेंडुलम के रूप में अभिमन्यु सिंह, जम्बो के रूप में स्नेहल डावी, कांडी के रूप में शहर्ष कुमार गुप्ता, निर्माता राकेश वर्मा के रूप में अश्विन मुशरान, संतोष कुमार शुक्ल, सूर्यकांत मिश्रा के रूप में फिल्म निर्देशक के रूप में साजिद नाडियाडवाला, फिल्म निर्देशक के रूप में अहमद खान, पिंकी के रूप में अरुषा खान, मंत्री लालची, लालच के रूप में मोहन अगाशे, श्रीमती पांडे, बच्चन की माँ के रूप में सीमा विश्वास, स्मिता के रूप में त्रिशा सिंह, वर्जिन की पत्नी सुरेंद्र राजन, मिदे देवेकर, मायरा के पिता के रूप में क्राइम रिपोर्टर के रूप में डॉली ठाकुर, के निर्देशक के रूप में नासिर अब्दुल्ला, भीम के रूप में गौरव चोपड़ा, बुलेट के रूप में नेत्राम तिवारी, कादरी के रूप में सुनील पाड़ूकर, गुलेरिया के रूप में अरुण खेडवाल, एंकर के रूप में विपुल राय, संगीत बच्चन पांडे द्वारा साउंडट्रैक एल्बम अमाल मलिक, बी प्राक, जानी विक्रम, मोन्ट्रोस और राय मुक्त 17 मार्च 2022, शैली पिक्चर फिल्म साउंडट्रैक, लंबाई 17:55, लेवल टी सीरीज, निर्माता भूषण कुमार, फिल्म का संगीत अमाल मलिक, बी प्राक, जानी विक्रम, मोन्ट्रोस और राय द्वारा रचित है, जबकि गीत कुमार, जानी, फरहात, भिवंडी वाला, विक्रम मोन्ट्रोस और अजीम दयानी द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जूलियस पैकियम द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 मार्क हेगा, इस गाने के बोल फरहात, भिखंडी वाला, विक्रम मोन्ट्रोस और अजीम दयानी ने लिखे हैं। संगीत विक्रम मोन्ट्रोस ने दिया है। गायकार, इस गाने के गायकार फरहात, भिवंडी वाला और विक्रम मोन्ट्रोस है। गाना नंबर 2 मेरी जान बोल जानी की है और गायकार वी प्राग हैं। गाना नंबर 3 सारे बोलो वे बाहरे जानी और इस गाने के गायकार, संगीत दिया है जानी ने और इस गाने के गायकार वी प्राग हैं। गाना नंबर 4 ही रांझरा बोल लिखे कुमार ने, संगीत दिया है अमाल मलिक ने और इस गाने के गायकार अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल हैं। गाना नंबर 5 सीटी थीम बोल सहायक द्वारा है, संगीत राय ने दिया है और इस गाने के गायकार सहायक हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको बच्चन पांडे मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्य के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। बच्चन पांडे फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, कृति सनोन, जैकलिन फर्नांडिस और अरशद वारसी है। यह 2014 की तमिल फिल्म जिगरता की आधिकारिक रीमेक है, जो खुद 2006 की दक्षिण कोरियाई फिल्म ए डर्टी कार्निवल से प्रेरित थी। निर्देशक फरहाद सामजी द्वारा लिखित, साजिद नाडियाडवाला, फरहाद सामजी, तुषार हीरानंदानी, ईश्वर्ष खेत्रपाल, ताशा भामरा, जीशान कादरी,
पर आधारित जिगर ठंडा कार्तिक सुब्बा राज द्वारा निर्मित साजिद नाडियाडवाला, अभिनीत अक्षय कुमार, कृति सनोन, जैकलिन फर्नांडिस, अरशद वारसी, पंकज त्रिपाठी, छायांकन गैबेमिक यू आर्य द्वारा संपादित चारुश्री राय, संगीत दिया है जूलियस पैकियम, प्रोडक्शन कंपनी नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित ए फिल्म्स, रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022, कार्यकारी समय 140 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 165 करोड़, बॉक्स ऑफिस 73.17 करोड़। फिल्म 18 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। भूखंड, एक नवोदित निर्देशक मायरा देविकर को एक निर्माता द्वारा एक फिल्म बनाने के लिए एक मनोरंजक और हिंसक गैंगस्टर कहानी के साथ आने का काम दिया जाता है। निर्माता के व्यावसायिक दृष्टिकोण और यथार्थवादी फिल्म बनाने की उसकी भूख को संतुष्ट करने के लिए वह पटकथा के लिए एक वास्तविक जीवन के गैंगस्टर के जीवन का अध्ययन करने का फैसला करती है। उसके व्यापक शोध से बगवा के एक आँख वाले बच्चन पांडे को खतरा पैदा होता है, जो एक क्रूर गैंगस्टर है जो विचित्र लेकिन डरावने गुंडे से घिरा हुआ है। मायरा बगवा जाती है, जहाँ वह अपने सबसे अच्छे दोस्त बिशु से मिलती है और उसे बचपन पर अपने फिल्म विचार के बारे में बताती है। बिशु आग बबूला हो जाता है और उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन बाद में उसे फिल्म में उसकी मदद करने के लिए मना लिया जाता है। बिशु और मायरा दोनों बच्चन के करीब आने के प्रयास में उसके गुंडों को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। भर्जिन गुंडों में से एक उन्हें अपनी पूर्व प्रेमिका सोफी के बारे में बताता है, जिसे पूर्व द्वारा मार दिया गया था। बिशु और मायरा बच्चन के साथ उनकी बातचीत को सुनने के लिए भर्जिन के मोबाइल फ़ोन में एक माइक्रोफोन लगाते हैं। बाद में यह पता चलता है कि भर्जिन एक अन्य अपराधी राणा लोहिया के लिए बच्चन को धोखा दे रहा था, लेकिन उसके द्वारा पकड़ा गया और मार डाला गया। बिशु और मायरा मर्डर को माइक्रोफोन के जरिए सुनते हैं, लेकिन बच्चन के गिरोह द्वारा पकड़े जाते हैं। बच्चन बिशु और मायरा को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मायरा एक गैंगस्टर फिल्म का निर्देशन कर रही है, तो इस शर्त के तहत कि वह फिल्म के नायक की भूमिका निभाएगा, उन्हें छोड़ने के लिए सहमत हो गया। मायरा शुरू में स्वीकार नहीं करती है, लेकिन बच्चन अपने निर्माता का अपहरण कर लेता है और मायरा को स्क्रिप्ट विकसित करने के लिए उसकी बैक स्टोरी सुनने के लिए मजबूर किया जाता है। फ्लैशबैक में बच्चन एक भ्रष्ट राजनीतिक लालची भगत के लिए काम करता है। विवाद के बाद राजनीतिज्ञ ने बच्चन की प्रेमिका सोफी की हत्या करवा दी। प्रतिशोध में बच्चन ने अस्पताल में भगत की हत्या कर दी, जहां उसे घाव के लिए भर्ती कराया गया था। बच्चन और उनके गुंडे अभिनय करना नहीं जानते हैं, इसलिए वे एक अभिनय कोच भावेश भोपालो के माध्यम से सीखते हैं। भावेश बच्चन और उसके गुंडों को मारता है और धमकाता है और अपमानित करता है उनके चिराग के लिए बहुत कुछ। फिर भी मायरा उन्हें फिल्म की खातिर भावेश को नुकसान पहुंचाने से मना कर करती है। बच्चन और मायरा जल्द ही एक दूसरे के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। फिल्म अंततः पूरी हो गई है फिर और सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। बच्चन और उनके गुंडे शुरू में उत्साहित हो जाते हैं और बीपी नाम की फिल्म को बढ़ावा देते हैं, यह सोचते हुए कि यह किरकिरा गैंगस्टर नामा है जिसकी मार्केटिंग की गई थी। उनके आतंक के लिए फिल्म एक कॉमेडी बन जाती है, जो उन्हें नकारात्मक रूप से चित्रित करती है। दूसरी ओर मायरा की फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित होती है और उसे अपने मीडिया और उसके निर्देशक से प्रशंसा मिलती है, जो अक्सर उसकी बहुत आलोचना करते थे। बच्चन और गुंडे लोगों में उसका डर गायब करने के लिए उसे मारने का फैसला करते हैं, लेकिन बाद में उसे बचाते हैं क्योंकि बच्चन दिल से विकसित हो जाते हैं और अपनी कहानी सुनाते हैं कि उनकी माँ सुनने के लिए उनके कान बज रहे थे और उनके प्रशंसक भी प्रभावित हुए उसके द्वारा। बच्चन बाद में एक स्टार बन जाता है और काणी बच्चन का करीबी गुंडा बोनस फिल्में देखने की अपनी आदत छोड़ देते हैं। विशु को एक अनाम फिल्म में मुख्य भूमिका मिलती है। भावेश भोपलो सर्वश्रेष्ठ अभिनय शिक्षक बन जाते हैं। बच्चन सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के रूप में पहचाने जाते हैं और मायरा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में। वह अपनी माँ का भी सम्मान अर्जित करता है, जिसने 10 वर्षों में उसे बात नहीं की है। वह अपराधी बनना छोड़ देता है और अभिनेता बन जाता है।
फेंकना। गैंगस्टर बच्चन पांडे के रूप में अक्षय कुमार, मायरा देवकर के रूप में कृति सेनन, बच्चन की प्रेमिका और निर्देशक सोफी, बच्चन की दिवंगत प्रेमिका के रूप में जैकलिन फर्नांडिस, विश्वकांत महात्रे, विशु के रूप में अरशद वारसी, मायरा के सबसे अच्छे दोस्त पंकज त्रिपाठी, गुरुजी भावेश भोपलो के रूप में, वर्जिन के रूप में प्रतीक बब्बर बफरिया, चाचा के रूप में संजय मिश्रा, पेंडुलम के रूप में अभिमन्यु सिंह, जम्बो के रूप में स्नेहल डावी, कांडी के रूप में शहर्ष कुमार गुप्ता, निर्माता राकेश वर्मा के रूप में अश्विन मुशरान, संतोष कुमार शुक्ल, सूर्यकांत मिश्रा के रूप में फिल्म निर्देशक के रूप में साजिद नाडियाडवाला, फिल्म निर्देशक के रूप में अहमद खान, पिंकी के रूप में अरुषा खान, मंत्री लालची लालच के रूप में मोहन आगाशे, श्रीमती पांडे, बच्चन की माँ के रूप में सीमा विश्वास, स्मिता के रूप में दृशा सिंह, वर्जिन की पत्नी सुरेंद्र राजन, मिदे देवेकर, मायरा के पिता के रूप में क्राइम रिपोर्टर के रूप में डॉली ठाकुर, के निर्देशक के रूप में नासिर अब्दुल्ला, भीम के रूप में गौरव चोपड़ा, बुलेट के रूप में नेत्राम तिवारी, कादरी के रूप में सुनील पाड़ूकर, गुलेरिया के रूप में अरुण खेडवाल, एंकर के रूप में विपुल राय, संगीत बच्चन पांडे द्वारा, साउंडट्रैक एल्बम अमाल मलिक, बी प्राक, जानी विक्रम, मोन्ट्रोस और राय, मुक्त 17 मार्च 2022, शैली पिक्चर फिल्म साउंडट्रैक, लंबाई 17:55, लेवल टी सीरीज, निर्माता भूषण कुमार, फिल्म का संगीत अमाल मलिक, बी प्राक, जानी विक्रम, मोन्ट्रोस और राय द्वारा रचित है, जबकि गीत कुमार, जानी, फरहाद, भिवंडी वाला, विक्रम मोन्ट्रोस और अजीम दयानी द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जूलियस पैकियम द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 मार्क हेगा, इस गाने के बोल फरहाद, भिखंडी वाला, विक्रम मोन्ट्रोस और अजीम दयानी ने लिखे हैं। संगीत विक्रम मोन्ट्रोस ने दिया है। गायकार, इस गाने के गायकार फरहाद, भिवंडी वाला और विक्रम मोन्ट्रोस है। गाना नंबर 2 मेरी जान बोल जानी की है और गायकार वी प्राग हैं। गाना नंबर 3 सारे बोलो वे बहारे जानी और इस गाने के गायकार, संगीत दिया है जानी ने और इस गाने के गायकार वी प्राग हैं। गाना नंबर 4 ही रांझरा बोल लिखे कुमार ने, संगीत दिया है अमाल मलिक ने और इस गाने के गायकार अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल हैं। गाना नंबर 5 सीटी थीम बोल सहायक द्वारा है, संगीत राय ने दिया है और इस गाने के गायकार सहायक हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको बच्चन पांडे मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्य के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। बच्चन पांडे फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, कृति सेनन, जैकलिन फर्नांडिस और अरशद वारसी है। यह 2014 की तमिल फिल्म जिगरदा की आधिकारिक रीमेक है, जो खुद 2006 की दक्षिण कोरियाई फिल्म ए डर्टी कार्निवल से प्रेरित थी। निर्देशक फरहाद सामजी द्वारा लिखित साजिद नाडियाडवाला, फरहाद सामजी, तुषार हीरा नंदानी, ईश्वर्ष खेत्रपाल, ताशा भामरा, जीशान कादरी पर आधारित जिगर ठंडा कार्तिक सुब्बाराज द्वारा निर्मित साजिद नाडियाडवाला, अभिनीत अक्षय कुमार, कृति सेनन, जैकलिन फर्नांडिस, अरशद वारसी, पंकज त्रिपाठी, छायांकन गैबेमिक यू आर्य द्वारा संपादित, चारू श्री राय,
संगीत दिया है जूलियस पैकियम प्रोडक्शन कंपनी नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित ए फिल्म्स। रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022। कार्यकारी समय 140 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 165 करोड़। बॉक्स ऑफिस 73.17 करोड़। फिल्म 18 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। भूखंड। एक नवोदित निर्देशक मायरा देविकर को एक निर्माता द्वारा एक फिल्म बनाने के लिए एक मनोरंजक और हिंसक गैंगस्टर कहानी के साथ आने का काम दिया जाता है। निर्माता के व्यावसायिक दृष्टिकोण और यथार्थवादी फिल्म बनाने की उसकी भूख को संतुष्ट करने के लिए वह पटकथा के लिए एक वास्तविक जीवन के गैंगस्टर के जीवन का अध्ययन करने का फैसला करती है। उसके व्यापक शोध से बघवा के एक आँख वाले बच्चन पांडे को खतरा पैदा होता है, जो एक क्रूर गैंगस्टर है जो विचित्र लेकिन डरावने गुंडे से घिरा हुआ है। मायरा बघवा जाती है, जहाँ वह अपने सबसे अच्छे दोस्त बिशु से मिलती है और उसे बचपन पर अपने फिल्म विचार के बारे में बताती है। बिशु आग बबूला हो जाता है और उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन बाद में उसे फिल्म में उसकी मदद करने के लिए मना लिया जाता है। बिशु और मायरा दोनों बच्चन के करीब आने के प्रयास में उसके गुंडों को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। वर्जिन गुंडों में से एक उन्हें अपनी पूर्व प्रेमिका सोफी के बारे में बताता है, जिसे पूर्व द्वारा मार दिया गया था। बिशु और मायरा बच्चन के साथ उनकी बातचीत को सुनने के लिए वर्जिन के मोबाइल फ़ोन में एक माइक्रोफोन लगाते हैं। बाद में यह पता चलता है कि वर्जिन एक अन्य अपराधी राणा लोहिया के लिए बच्चन को धोखा दे रहा था, लेकिन उसके द्वारा पकड़ा गया और मार डाला गया। बिशु और मायरा मर्डर को माइक्रोफोन के जरिए सुनते हैं, लेकिन बच्चन के गिरोह द्वारा पकड़े जाते हैं। बच्चन बिशु और मायरा को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मायरा एक गैंगस्टर फिल्म का निर्देशन कर रही है, तो इस शर्त के तहत कि वह फिल्म के नायक की भूमिका निभाएगा, उन्हें छोड़ने के लिए सहमत हो गया। मायरा शुरू में स्वीकार नहीं करती है, लेकिन बच्चन अपने निर्माता का अपहरण कर लेता है और मायरा को स्क्रिप्ट विकसित करने के लिए उसकी बैक स्टोरी सुनने के लिए मजबूर किया जाता है। फ्लैशबैक में बच्चन एक भ्रष्ट राजनीतिक लालची भगत के लिए काम करता है। विवाद के बाद राजनीतिज्ञ ने बच्चन की प्रेमिका सोफी की हत्या करवा दी। प्रतिशोध में बच्चन ने अस्पताल में भगत की हत्या कर दी, जहां उसे घाव के लिए भर्ती कराया गया था। बच्चन और उनके गुंडे अभिनय करना नहीं जानते हैं, इसलिए वे एक अभिनय कोच भावेश भोपालो के माध्यम से सीखते हैं। भावेश बच्चन और उसके गुंडों को मारता है और धमकाता है और अपमानित करता है उनके चिराग के लिए बहुत कुछ। फिर भी मायरा उन्हें फिल्म की खातिर भावेश को नुकसान पहुंचाने से मना कर करती है। बच्चन और मायरा जल्द ही एक दूसरे के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। फिल्म अंततः पूरी हो गई है फिर और सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। बच्चन और उनके गुंडे शुरू में उत्साहित हो जाते हैं और बीपी नाम की फिल्म को बढ़ावा देते हैं, यह सोचते हुए कि यह किरकिरा गैंगस्टर नामा है जिसकी मार्केटिंग की गई थी। उनके आतंक के लिए फिल्म एक कॉमेडी बन जाती है, जो उन्हें नकारात्मक रूप से चित्रित करती है। दूसरी ओर मायरा की फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित होती है और उसे अपने मीडिया और उसके निर्देशक से प्रशंसा मिलती है, जो अक्सर उसकी बहुत आलोचना करते थे। बच्चन और गुंडे लोगों में उसका डर गायब करने के लिए उसे मारने का फैसला करते हैं, लेकिन बाद में उसे बचते हैं क्योंकि बच्चन दिल से विकसित हो जाते हैं और अपनी कहानी सुनाते हैं कि उनकी माँ सुनने के लिए उनके कान बज रहे थे और उनके प्रशंसक भी प्रभावित हुए उसके द्वारा। बच्चन बाद में एक स्टार बन जाता है और काणी बच्चन का करीबी गुंडा बोरेंस फिल्में देखने की अपनी आदत छोड़ देते हैं। विशु को एक अनाम फिल्म में मुख्य भूमिका मिलती है। भावेश भोपलो सर्वश्रेष्ठ अभिनय शिक्षक बन जाते हैं। बच्चन सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के रूप में पहचाने जाते हैं और मायरा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में। वह अपनी माँ का भी सम्मान अर्जित करता है, जिसने 10 वर्षों में उसे बात नहीं की है। वह अपराधी बनना छोड़ देता है और अभिनेता बन जाता है। फेंकना। गैंगस्टर बच्चन पांडे के रूप में अक्षय कुमार, मायरा देविकर के रूप में कृति सेनन, बच्चन की प्रेमिका और निर्देशक सोफी, बच्चन की दिवंगत प्रेमिका के रूप में जैकलिन फर्नांडिस, विश्वकांत महात्रे, विशु के रूप में अरशद वारसी, मायरा के सबसे अच्छे दोस्त पंकज त्रिपाठी, गुरुजी भावेश भोपलो के रूप में
वर्जिन के रूप में प्रतीक बब्बर, बफर या चाचा के रूप में संजय मिश्रा, पेंडुलम के रूप में अभिमन्यु सिंह, जंबो के रूप में स्नेहल डावी, कांडी के रूप में सहर्ष कुमार गुप्ता, निर्माता राकेश वर्मा के रूप में अश्विन मुशरान, संतोष कुमार शुक्ल, सूर्यकांत मिश्रा के रूप में फिल्म निर्देशक के रूप में साजिद नाडियाडवाला, फिल्म निर्देशक के रूप में अहमद खान, पिंकी के रूप में अरुषा खान, मंत्री लालची लालच के रूप में मोहन अगाशे, श्रीमती पांडे, बच्चन की माँ के रूप में सीमा विश्वास, स्मिता के रूप में दर्शा सिंह, वर्जिन की पत्नी सुरेंद्र राजन, मिदे देवेकर, मायरा के पिता के रूप में क्राइम रिपोर्टर के रूप में डॉली ठाकुर, के निर्देशक के रूप में नासिर अब्दुल्ला, भीम के रूप में गौरव चोपड़ा, बुलेट के रूप में नेत्राम तिवारी, कादरी के रूप में सुनील पाड़ूकर, गुलेरिया के रूप में अरुण खेडवाल, एंकर के रूप में विपुल राय, संगीत बच्चन पांडे द्वारा, साउंडट्रैक एल्बम अमाल मलिक, बी प्राक, जानी विक्रम, मोन्ट्रोस और राय मुक्त, 17 मार्च 2022, शैली पिक्चर फिल्म साउंडट्रैक, लंबाई 17:55, लेवल टी सीरीज, निर्माता भूषण कुमार, फिल्म का संगीत अमाल मलिक, बी प्राक, जानी विक्रम, मोन्ट्रोस और राय द्वारा रचित है, जबकि गीत कुमार, जानी, फरहाद, भिवंडी वाला, विक्रम मोन्ट्रोस और अजीम दयानी द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जूलियस पैकियम द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 मार्क हेगा, इस गाने के बोल फरहाद, भिखंडी वाला, विक्रम मोन्ट्रोस और अजीम दयानी ने लिखे हैं। संगीत विक्रम मोन्ट्रोस ने दिया है। गायकार, इस गाने के गायकार फरहाद, भिवंडी वाला और विक्रम मोन्ट्रोस हैं। गाना नंबर 2 मेरी जान बोल जानी की हैं और गायकार वी प्राक हैं। गाना नंबर 3 सारे बोलो वे बहारे जानी और इस गाने के गायकार, संगीत दिया है जानी ने और इस गाने के गायकार वी प्राक हैं। गाना नंबर 4 ही रांझरा बोल लिखे कुमार ने, संगीत दिया है अमाल मलिक ने और इस गाने के गायकार अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल हैं। गाना नंबर 5 सीटी थीम बोल सहायक द्वारा है, संगीत राय ने दिया है और इस गाने के गायकार सहायक हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको बच्चन पांडे मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्य के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। बच्चन पांडे फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, कृति सनोन, जैकलिन फर्नांडिस और अरशद वारसी है। यह 2014 की तमिल फिल्म जिगरता की आधिकारिक रीमेक है, जो खुद 2006 की दक्षिण कोरियाई फिल्म की डर्टी कार्निवल से प्रेरित थी। निर्देशक फरहाद सामजी द्वारा लिखित साजिद नाडियाडवाला, फरहाद सामजी, तुषार हीरा नंदानी, ईश्वर्ष खेत्रपाल, ताशा भामरा, जीशान कादरी पर आधारित जिगर ठंडा कार्तिक सुब्बाराज द्वारा निर्मित साजिद नाडियाडवाला, अभिनीत अक्षय कुमार, कृति सनोन, जैकलिन फर्नांडिस, अरशद वारसी, पंकज त्रिपाठी, छायांकन गैबेमिक यू आर्य द्वारा संपादित चारुश्री राय, संगीत दिया है जूलियस पैकियम, प्रोडक्शन कंपनी नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित ए फिल्म्स, रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022, कार्यकारी समय 140 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 165 करोड़, बॉक्स ऑफिस
73.17 करोड़। फिल्म 18 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। भूखंड एक नवोदित निर्देशक मायरा देविकर को एक निर्माता द्वारा एक फिल्म बनाने के लिए एक मनोरंजक और हिंसक गैंगस्टर कहानी के साथ आने का काम दिया जाता है। निर्माता के व्यावसायिक दृष्टिकोण और यथार्थवादी फिल्म बनाने की उसकी भूख को संतुष्ट करने के लिए वह पटकथा के लिए एक वास्तविक जीवन के गैंगस्टर के जीवन का अध्ययन करने का फैसला करती है। उसके व्यापक शोध से बघवा के एक आंख वाले बच्चन पांडे को खतरा पैदा होता है, जो एक क्रूर गैंगस्टर है जो विचित्र लेकिन डरावने गुंडे से घिरा हुआ है। मायरा बघवा जाती है, जहां वह अपने सबसे अच्छे दोस्त बिशु से मिलती है और उसे बचपन पर अपने फिल्म विचार के बारे में बताती है। बिशु आग बबूला हो जाता है और उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन बाद में उसे फिल्म में उसकी मदद करने के लिए मना लिया जाता है। बिशु और मायरा दोनों बच्चन के करीब आने के प्रयास में उसके गुंडों को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। वर्जिन गुंडों में से एक उन्हें अपनी पूर्व प्रेमिका सोफी के बारे में बताता है, जिसे पूर्व द्वारा मार दिया गया था। बिशु और मायरा बच्चन के साथ उनकी बातचीत को सुनने के लिए वर्जिन के मोबाइल फ़ोन में एक माइक्रोफोन लगाते हैं। बाद में यह पता चलता है कि वर्जिन एक अन्य अपराधी राणा लोहिया के लिए बच्चन को धोखा दे रहा था, लेकिन उसके द्वारा पकड़ा गया और मार डाला गया। बिशु और मायरा मर्डर को माइक्रोफोन के जरिए सुनते हैं, लेकिन बच्चन के गिरोह द्वारा पकड़े जाते हैं। बच्चन बिशु और मायरा को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मायरा एक गैंगस्टर फिल्म का निर्देशन कर रही है, तो इस शर्त के तहत कि वह फिल्म के नायक की भूमिका निभाएगा, उन्हें छोड़ने के लिए सहमत हो गया। मायरा शुरू में स्वीकार नहीं करती है, लेकिन बच्चन अपने निर्माता का अपहरण कर लेता है और मायरा को स्क्रिप्ट विकसित करने के लिए उसकी बैक स्टोरी सुनने के लिए मजबूर किया जाता है। फ्लैशबैक में बच्चन एक भ्रष्ट राजनीतिक लालची भगत के लिए काम करता है। विवाद के बाद राजनीतिज्ञ ने बच्चन की प्रेमिका सोफी की हत्या करवा दी। प्रतिशोध में बच्चन ने अस्पताल में भगत की हत्या कर दी, जहां उसे घाव के लिए भर्ती कराया गया था। बच्चन और उनके गुंडे अभिनय करना नहीं जानते हैं, इसलिए वे एक अभिनय कोच भावेश भोपालो के माध्यम से सीखते हैं। भावेश बच्चन और उसके गुंडों को मारता है और धमकाता है और अपमानित करता है उनके चिराग के लिए बहुत कुछ। फिर भी मायरा उन्हें फिल्म की खातिर भावेश को नुकसान पहुंचाने से मना करती है। बच्चन और मायरा जल्द ही एक दूसरे के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। फिल्म अंततः पूरी हो गई है फिर और सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। बच्चन और उनके गुंडे शुरू में उत्साहित हो जाते हैं और बीपी नाम की फिल्म को बढ़ावा देते हैं, यह सोचते हुए कि यह किरकिरा गैंगस्टर नामा है जिसकी मार्केटिंग की गई थी। उनके आतंक के लिए फिल्म एक कॉमेडी बन जाती है, जो उन्हें नकारात्मक रूप से चित्रित करती है। दूसरी ओर मायरा की फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित होती है और उसे अपने मीडिया और उसके निर्देशक से प्रशंसा मिलती है, जो अक्सर उसकी बहुत आलोचना करते थे। बच्चन और गुंडे लोगों में उसका डर गायब करने के लिए उसे मारने का फैसला करते हैं, लेकिन बाद में उसे बचते हैं क्योंकि बच्चन दिल से विकसित हो जाते हैं और अपनी कहानी सुनाते हैं कि उनकी माँ सुनने के लिए उनके कान बज रहे थे और उनके प्रशंसक भी प्रभावित हुए उसके द्वारा। बच्चन बाद में एक स्टार बन जाता है और काली बच्चन का करीबी गुंडा बोर्न फिल्म में देखने की अपनी आदत छोड़ देते हैं। विशु को एक अनाम फिल्म में मुख्य भूमिका मिलती है। भावेश भोपलो सर्वश्रेष्ठ अभिनय शिक्षक बन जाते हैं। बच्चन सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के रूप में पहचाने जाते हैं और मायरा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में। वह अपनी माँ का भी सम्मान अर्जित करता है, जिसने 10 वर्षों में उसे बात नहीं की है। वह अपराधी बनना छोड़ देता है और अभिनेता बन जाता है। फेंकना गैंगस्टर बच्चन पांडे के रूप में अक्षय कुमार, मायरा देविकर के रूप में कृति सेनन, बच्चन की प्रेमिका और निर्देशक सोफी, बच्चन की दिवंगत प्रेमिका के रूप में जैकलिन फर्नांडिस, विश्वकांत महात्रे, विशु के रूप में अरशद वारसी, मायरा के सबसे अच्छे दोस्त पंकज त्रिपाठी, गुरुजी भावेश भोपलो के रूप में वर्जिन के रूप में प्रतीक बब्बर, बफरिया चाचा के रूप में संजय मिश्रा, पेंडुलम के रूप में अभिमन्यु सिंह, जम्बो के रूप में स्नेहल डावी, कांडी के रूप में शहर्ष कुमार गुप्ता, निर्माता राकेश वर्मा के रूप में अश्विन मुशरान, संतोष कुमार शुक्ल, सूर्यकांत
मिश्रा के रूप में, फिल्म निर्देशक के रूप में साजिद नाडियाडवाला, फिल्म निर्देशक के रूप में अहमद खान, पिंकी ग्रुप में अरुषा खान, मंत्री लालची लालच के रूप में मोहन अगाशे, श्रीमती पांडे बच्चन की मां के रूप में सीमा विश्वास, स्मिता के रूप में त्रिशा सिंह बर्जिन की पत्नी, सुरेंद्र राजन, मिदे देवेकर मायरा के पिता के रूप में, क्राइम रिपोर्टर के रूप में डॉली ठाकुर, के निर्देशक के रूप में नासिर अब्दुल्ला, भीम के रूप में गौरव चोपड़ा, बुलेट के रूप में नेत्राम तिवारी, कादरी के रूप में सुनील पाड़ूकर, गुलेरिया के रूप में अरुण खेडवाल, एंकर के रूप में विपुल राय, संगीत बच्चन पांडे द्वारा, साउंडट्रैक एल्बम अमाल मलिक, बी प्राक, जानी विक्रम, मोंट्रोस और राय, मुक्त 17 मार्च 2022, शैली पिक्चर फिल्म साउंडट्रैक, लंबाई 17:55, लेवल टी सीरीज, निर्माता भूषण कुमार, फिल्म का संगीत अमाल मलिक, बी प्राग, जानी विक्रम, मोंट्रोस और राय द्वारा रचित है, जबकि गीत कुमार, जानी, फरहाद, भिवंडी वाला, विक्रम मोंट्रोस और अजीम दयानी द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जूलियस पैकियम द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 मार्क हेगा, इस गाने के बोल फिरहाद, भिखंडी वाला, विक्रम मोंट्रोस और अजीम दयानी ने लिखे हैं। संगीत विक्रम मोंट्रोस ने दिया है। गायकार, इस गाने के गायकार फरहाद, भिवंडी वाला और विक्रम मोंट्रोस हैं। गाना नंबर 2 मेरी जान बोल जानी की हैं और गायकार वी प्राग, वी प्राग हैं। गाना नंबर 3 सारे बोलो बेबारे जानी, और इस गाने के गायकार संगीत दिया है जानी ने और इस गाने के गायकार बी प्राक हैं। गाना नंबर 4 ही रांझरा बोल लिखे कुमार ने, संगीत दिया है अमाल मलिक ने और इस गाने के गायकार अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल हैं। गाना नंबर 5 सीटी थीम बोल सहायक द्वारा है, संगीत राय ने दिया है और इस गाने के गायकार सहायक हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको बच्चन पांडे मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्य के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। बच्चन पांडे, बच्चन पांडे फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, कृति सनोन, जैकलिन फर्नांडिस और अरशद वारसी है। यह 2014 की तमिल फिल्म जिगरता की आधिकारिक रीमेक है, जो खुद 2006 की दक्षिण कोरियाई फिल्म ई डर्टी कार्निवल से प्रेरित थी। निर्देशक फरहाद सामजी द्वारा लिखित साजिद नाडियाडवाला, फरहाद सामजी, तुषार हीरा नंदानी, ईश्वर्ष खेत्रपाल, ताशा भामरा, जीशान कादरी पर आधारित जिगर ठंडा कार्तिक सुब्बाराज द्वारा निर्मित साजिद नाडियाडवाला, अभिनीत अक्षय कुमार, कृति सनोन, जैकलिन फर्नांडिस, अरशद वारसी, पंकज त्रिपाठी, छायांकन गैबेमिक यू आर्य द्वारा संपादित चारुश्री राय, संगीत दिया है जूलियस पैकियम, प्रोडक्शन कंपनी नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित ए फिल्म्स, रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022, कार्यकारी समय 140 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 165 करोड़, बॉक्स ऑफिस 73.17 करोड़। फिल्म 18 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। भूखंड, एक नवोदित निर्देशक मायरा देवीकर को एक निर्माता द्वारा एक फिल्म बनाने के लिए एक मनोरंजक और हिंसक गैंगस्टर कहानी के साथ आने का काम दिया जाता है।
निर्माता के व्यावसायिक दृष्टिकोण और यथार्थवादी फिल्म बनाने की उसकी भूख को संतुष्ट करने के लिए वह पटकथा के लिए एक वास्तविक जीवन के गैंगस्टर के जीवन का अध्ययन करने का फैसला करती है। उसके व्यापक शोध से बघवा के एक आँख वाले बच्चन पांडे को खतरा पैदा होता है, जो एक क्रूर गैंगस्टर है जो विचित्र लेकिन डरावने गुंडे से घिरा हुआ है। मायरा बघवा जाती है, जहाँ वह अपने सबसे अच्छे दोस्त बिशु से मिलती है और उसे बचपन पर अपने फिल्म विचार के बारे में बताती है। बिशु आग बबूला हो जाता है और उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन बाद में उसे फिल्म में उसकी मदद करने के लिए मना लिया जाता है। बिशु और मायरा दोनों बच्चन के करीब आने के प्रयास में उसके गुंडों को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। भर्जिन गुंडों में से एक उन्हें अपनी पूर्व प्रेमिका सोफी के बारे में बताता है, जिसे पूर्व द्वारा मार दिया गया था। बिशु और मायरा बच्चन के साथ उनकी बातचीत को सुनने के लिए भर्जिन के मोबाइल फ़ोन में एक माइक्रोफोन लगाते हैं। बाद में यह पता चलता है कि भर्जिन एक अन्य अपराधी राणा लोहिया के लिए बच्चन को धोखा दे रहा था, लेकिन उसके द्वारा पकड़ा गया और मार डाला गया। बिशु और मायरा मर्डर को माइक्रोफोन के जरिए सुनते हैं, लेकिन बच्चन के गिरोह द्वारा पकड़े जाते हैं। बच्चन बिशु और मायरा को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मायरा एक गैंगस्टर फिल्म का निर्देशन कर रही है, तो इस शर्त के तहत कि वह फिल्म के नायक की भूमिका निभाएगा, उन्हें छोड़ने के लिए सहमत हो गया। मायरा शुरू में स्वीकार नहीं करती है, लेकिन बच्चन अपने निर्माता का अपहरण कर लेता है और मायरा को स्क्रिप्ट विकसित करने के लिए उसकी बैक स्टोरी सुनने के लिए मजबूर किया जाता है। फ्लैशबैक में बच्चन एक भ्रष्ट राजनीतिक लालची भगत के लिए काम करता है। विवाद के बाद राजनीतिज्ञ ने बच्चन की प्रेमिका सोफी की हत्या करवा दी। प्रतिशोध में बच्चन ने अस्पताल में भगत की हत्या कर दी, जहां उसे घाव के लिए भर्ती कराया गया था। बच्चन और उनके गुंडे अभिनय करना नहीं जानते हैं, इसलिए वे एक अभिनय कोच भावेश भोपालो के माध्यम से सीखते हैं। भावेश बच्चन और उसके गुंडों को मारता है और धमकाता है और अपमानित करता है उनके चिराग के लिए बहुत कुछ। फिर भी मायरा उन्हें फिल्म की खातिर भावेश को नुकसान पहुंचाने से मना कर करती है। बच्चन और मायरा जल्द ही एक दूसरे के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। फिल्म अंततः पूरी हो गई है फिर और सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। बच्चन और उनके गुंडे शुरू में उत्साहित हो जाते हैं और बीपी नाम की फिल्म को बढ़ावा देते हैं, यह सोचते हुए कि यह किरकिरा गैंगस्टर नामा है जिसकी मार्केटिंग की गई थी। उनके आतंक के लिए फिल्म एक कॉमेडी बन जाती है, जो उन्हें नकारात्मक रूप से चित्रित करती है। दूसरी ओर मायरा की फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित होती है और उसे अपने मीडिया और उसके निर्देशक से प्रशंसा मिलती है, जो अक्सर उसकी बहुत आलोचना करते थे। बच्चन और गुंडे लोगों में उसका डर गायब करने के लिए उसे मारने का फैसला करते हैं, लेकिन बाद में उसे बचते हैं क्योंकि बच्चन दिल से विकसित हो जाते हैं और अपनी कहानी सुनाते हैं कि उनकी माँ सुनने के लिए उनके कान बज रहे थे और उनके प्रशंसक भी प्रभावित हुए उसके द्वारा। बच्चन बाद में एक स्टार बन जाता है और काणी बच्चन का करीबी गुंडा बोर्न फिल्में देखने की अपनी आदत छोड़ देते हैं। विशु को एक अनाम फिल्म में मुख्य भूमिका मिलती है। भावेश भोपलो सर्वश्रेष्ठ अभिनय शिक्षक बन जाते हैं। बच्चन सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के रूप में पहचाने जाते हैं और मायरा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में। वह अपनी माँ का भी सम्मान अर्जित करता है, जिसने 10 वर्षों में उसे बात नहीं की है। वह अपराधी बनना छोड़ देता है और अभिनेता बन जाता है। फेंकना गैंगस्टर बच्चन पांडे के रूप में अक्षय कुमार, मायरा देविकर के रूप में कृति सेनन, बच्चन की प्रेमिका और निर्देशक सोफी, बच्चन की दिवंगत प्रेमिका के रूप में जैकलिन फर्नांडिस, विश्वकांत महात्रे, विशु के रूप में अरशद वारसी, मायरा के सबसे अच्छे दोस्त पंकज त्रिपाठी, गुरुजी भावेश भोपलो के रूप में भर्जिन के रूप में प्रतीक बब्बर, बफरिया चाचा के रूप में संजय मिश्रा, पेंडुलम के रूप में अभिमन्यु सिंह, जम्बो के रूप में स्नेहल डावी, कांडी के रूप में शहर्ष कुमार गुप्ता, निर्माता राकेश वर्मा के रूप में अश्विन मुशरान, संतोष कुमार शुक्ल, सूर्यकांत मिश्रा के रूप में फिल्म निर्देशक के रूप में साजिद नाडियाडवाला, फिल्म निर्देशक के रूप में अहमद खान, पिंकी के रूप में अरुषा खान, मंत्री लालच के रूप में मोहन अगाशे, श्रीमती पांडे, बच्चन की मां के रूप में सीमा विश्वास,
स्मिता के रूप में दृशा सिंह, वर्जिन की पत्नी सुरेंद्र राजन, मिदे देवेकर, मायरा के पिता के रूप में, क्राइम रिपोर्टर के रूप में डॉली ठाकुर, के निर्देशक के रूप में नासिर अब्दुल्ला, भीम के रूप में गौरव चोपड़ा, बुलेट के रूप में नेत्राम तिवारी, कादरी के रूप में सुनील पाड़ूकर, गुलेरिया के रूप में अरुण खेडवाल, एंकर के रूप में विपुल राय, संगीत बच्चन पांडे द्वारा, साउंडट्रैक एल्बम अमाल मलिक, बी प्राक, जानी विक्रम, मोन्ट्रोस और राय मुक्त, 17 मार्च 2022, शैली पिक्चर फिल्म साउंडट्रैक, लंबाई 17:55, लेवल टी सीरीज, निर्माता भूषण कुमार, फिल्म का संगीत अमाल मलिक, बी प्राक, जानी विक्रम, मोन्ट्रोस और राय द्वारा रचित है, जबकि गीत कुमार, जानी, फरहात, भिवंडी वाला, विक्रम मोन्ट्रोस और अजीम दयानी द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जूलियस पैकियम द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 मार्क हेगा, इस गाने के बोल फरहात, भिखंडी वाला, विक्रम मोन्ट्रोस और अजीम दयानी ने लिखे हैं। संगीत विक्रम मोन्ट्रोस ने दिया है। गायकार, इस गाने के गायकार फरहात, भिवंडी वाला और विक्रम मोन्ट्रोस हैं। गाना नंबर 2 मेरी जान बोल जानी की हैं और गायकार वी प्राग हैं। गाना नंबर 3 सारे बोलो वे बहारे जानी और इस गाने के गायकार, संगीत दिया है जानी ने और इस गाने के गायकार वी प्राग हैं। गाना नंबर 4 ही रांझरा बोल लिखे कुमार ने, संगीत दिया है अमाल मलिक ने और इस गाने के गायकार अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल हैं। गाना नंबर 5 सिटी थीम बोल सहायक द्वारा है, संगीत राय ने दिया है और इस गाने के गायकार सहायक हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको बच्चन पांडे मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्य के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। बच्चन पांडे फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, कृति सनोन, जैकलिन फर्नांडिस और अरशद वारसी है। यह 2014 की तमिल फिल्म जिगरता की आधिकारिक रीमेक है, जो खुद 2006 की दक्षिण कोरियाई फिल्म ए डर्टी कार्निवल से प्रेरित थी। निर्देशक फरहाद सामजी द्वारा लिखित साजिद नाडियाडवाला, फरहाद सामजी, तुषार हीरा नंदानी, ईश्वर्ष खेत्रपाल, ताशा भामरा, जीशान कादरी पर आधारित जिगर ठंडा कार्तिक सुब्बाराज द्वारा निर्मित साजिद नाडियाडवाला, अभिनीत अक्षय कुमार, कृति सनोन, जैकलिन फर्नांडिस, अरशद वारसी, पंकज त्रिपाठी, छायांकन गैबेमिक यू आर्य द्वारा संपादित चारुश्री राय, संगीत दिया है जूलियस पैकियम, प्रोडक्शन कंपनी नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित ए फिल्म्स, रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022, कार्यकारी समय 140 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 165 करोड़, बॉक्स ऑफिस 73.17 करोड़। फिल्म 18 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। भूखंड, एक नवोदित निर्देशक मायरा देवेकर को एक निर्माता द्वारा एक फिल्म बनाने के लिए एक मनोरंजक और हिंसक गैंगस्टर कहानी के साथ आने का काम दिया जाता है। निर्माता के व्यावसायिक दृष्टिकोण और यथार्थवादी फिल्म बनाने की उसकी भूख को संतुष्ट करने के लिए वह पटकथा के लिए एक वास्तविक जीवन के गैंगस्टर के जीवन का अध्ययन करने का फैसला करती है। उसके व्यापक शोध से बगवा के एक
आंख वाले बच्चन पांडे को खतरा पैदा होता है, जो एक क्रूर गैंगस्टर है जो विचित्र लेकिन डरावने गुंडे से घिरा हुआ है। मायरा भगवा जाती है, जहाँ वह अपने सबसे अच्छे दोस्त विशु से मिलती है और उसे बचपन पर अपने फिल्म विचार के बारे में बताती है। विशु आग बबूला हो जाता है और उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन बाद में उसे फिल्म में उसकी मदद करने के लिए मना लिया जाता है। विशु और मायरा दोनों बच्चन के करीब आने के प्रयास में उसके गुंडों को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। वर्जिन गुंडों में से एक उन्हें अपनी पूर्व प्रेमिका सोफी के बारे में बताता है, जिसे पूर्व द्वारा मार दिया गया था। विशु और मायरा बच्चन के साथ उनकी बातचीत को सुनने के लिए वर्जिन के मोबाइल फ़ोन में एक माइक्रोफोन लगाते हैं। बाद में यह पता चलता है कि वर्जिन एक अन्य अपराधी राणा लोहिया के लिए बच्चन को धोखा दे रहा था, लेकिन उसके द्वारा पकड़ा गया और मार डाला गया। विशु और मायरा मर्डर को माइक्रोफोन के जरिए सुनते हैं, लेकिन बच्चन के गिरोह द्वारा पकड़े जाते हैं। बच्चन विशु और मायरा को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मायरा एक गैंगस्टर फिल्म का निर्देशन कर रही है, तो इस शर्त के तहत कि वह फिल्म के नायक की भूमिका निभाएगा, उन्हें छोड़ने के लिए सहमत हो गया। मायरा शुरू में स्वीकार नहीं करती है, लेकिन बच्चन अपने निर्माता का अपहरण कर लेता है और मायरा को स्क्रिप्ट विकसित करने के लिए उसकी बैक स्टोरी सुनने के लिए मजबूर किया जाता है। फ्लैशबैक में बच्चन एक भ्रष्ट राजनीतिक लालची भगत के लिए काम करता है। विवाद के बाद राजनीतिज्ञ ने बच्चन की प्रेमिका सोफी की हत्या करवा दी। प्रतिशोध में बच्चन ने अस्पताल में भगत की हत्या कर दी, जहां उसे घाव के लिए भर्ती कराया गया था। बच्चन और उनकी गुंडे अभिनय करना नहीं जानते हैं, इसलिए वे एक अभिनय कोच भावेश भोपालो के माध्यम से सीखते हैं। भावेश बच्चन और उसके गुंडों को मारता है और धमकाता है और अपमानित करता है उनके चिराग के लिए बहुत कुछ। फिर भी मायरा उन्हें फिल्म की खातिर भावेश को नुकसान पहुंचाने से मना कर करती है। बच्चन और मायरा जल्द ही एक दूसरे के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। फिल्म अंततः पूरी हो गई है फिर और सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। बच्चन और उनके गुंडे शुरू में उत्साहित हो जाते हैं और बीपी नाम की फिल्म को बढ़ावा देते हैं, यह सोचते हुए कि यह किरकिरा गैंगस्टर नामा है जिसकी मार्केटिंग की गई थी। उनके आतंक के लिए फिल्म एक कॉमेडी बन जाती है, जो उन्हें नकारात्मक रूप से चित्रित करती है। दूसरी ओर मायरा की फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित होती है और उसे अपने मीडिया और उसके निर्देशक से प्रशंसा मिलती है, जो अक्सर उसकी बहुत आलोचना करते थे। बच्चन और गुंडे लोगों में उसका डर गायब करने के लिए उसे मारने का फैसला करते हैं, लेकिन बाद में उसे बचते हैं क्योंकि बच्चन दिल से विकसित हो जाते हैं और अपनी कहानी सुनाते हैं कि उनकी माँ सुनने के लिए उनके कान बज रहे थे और उनके प्रशंसक भी प्रभावित हुए उसके द्वारा। बच्चन बाद में एक स्टार बन जाता है और काणी बच्चन का करीबी गुंडा बोर्स फिल्में देखने की अपनी आदत छोड़ देते हैं। विशु को एक अनाम फिल्म में मुख्य भूमिका मिलती है। भावेश भोपलो सर्वश्रेष्ठ अभिनय शिक्षक बन जाते हैं। बच्चन सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के रूप में पहचाने जाते हैं और मायरा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में। वह अपनी मां का भी सम्मान अर्जित करता है, जिसने 10 वर्षों में उसे बात नहीं की है। वह अपराधी बनना छोड़ देता है और अभिनेता बन जाता है। फेंकना गैंगस्टर बच्चन पांडे के रूप में अक्षय कुमार, मायरा देविकर के रूप में कृति सेनन, बच्चन की प्रेमिका और निर्देशक सोफी, बच्चन की दिवंगत प्रेमिका के रूप में जैकलिन फर्नांडिस, विश्वकांत महात्रे, विशु के रूप में अरशद वारसी, मायरा के सबसे अच्छे दोस्त पंकज त्रिपाठी, गुरुजी भावेश भोपलो के रूप में वर्जिन के रूप में प्रतीक बब्बर, बफरिया चाचा के रूप में संजय मिश्रा, पेंडुलम के रूप में अभिमन्यु सिंह, जम्बो के रूप में स्नेहल डावी, कांडी के रूप में शहर्ष कुमार गुप्ता, निर्माता राकेश वर्मा के रूप में अश्विन मुशरान, संतोष कुमार शुक्ल, सूर्यकांत मिश्रा के रूप में फिल्म निर्देशक के रूप में साजिद नाडियाडवाला, फिल्म निर्देशक के रूप में अहमद खान, पिंकी के रूप में अरुषा खान, मंत्री लालच के रूप में मोहन अगाशे, श्रीमती पांडे बच्चन की मां के रूप में सीमा विश्वास, स्मिता के रूप में त्रिशा सिंह, वर्जिन की पत्नी सुरेंद्र राजन, मिदे देवेकर, मायरा के पिता के रूप में क्राइम रिपोर्टर के रूप में डॉली ठाकुर, के निर्देशक के रूप में नासिर अब्दुल्ला, भीम के रूप में
गौरव चोपड़ा बुलेट के रूप में, नेत्राम तिवारी कादरी के रूप में, सुनील पाड़ूकर गुलेरिया के रूप में, अरुण खेडवाल एंकर के रूप में, विपुल राय संगीत, बच्चन पांडे द्वारा साउंडट्रैक एल्बम, अमाल मलिक बी प्राक, जानी विक्रम मोन्ट्रोस और राय मुक्त 17 मार्च 2022, शैली पिक्चर फिल्म साउंडट्रैक, लंबाई 17:55, लेवल टी सीरीज, निर्माता भूषण कुमार, फिल्म का संगीत अमाल मलिक बी प्राक, जानी विक्रम मोन्ट्रोस और राय द्वारा रचित है, जबकि गीत कुमार जानी फरहात भिवंडी वाला विक्रम मोन्ट्रोस और अजीम दयानी द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जूलियस पैकियम द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 मार्क हेगा, इस गाने के बोल फरहात भिखंडी वाला विक्रम मोन्ट्रोस और अजीम दयानी ने लिखे हैं। संगीत विक्रम मोन्ट्रोस ने दिया है। गायकार इस गाने के गायकार फरहात भिवंडी वाला और विक्रम मोन्ट्रोस है। गाना नंबर 2 मेरी जान बोल जानी की है और गायकार वी प्राक हैं। गाना नंबर 3 सारे बोलो बे बहारे जानी और इस गाने के गायकार संगीत दिया है जानी ने और इस गाने के गायकार वी प्राक हैं। गाना नंबर 4 ही रांझरा बोल लिखे कुमार ने, संगीत दिया है अमाल मलिक ने और इस गाने के गायकार अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल हैं। गाना नंबर 5 सीटी थीम बोल सहायक द्वारा है, संगीत राय ने दिया है और इस गाने के गायकार सहायक हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको बच्चन पांडे मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्य के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। बच्चन पांडे फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, कृति सनोन, जैकलिन फर्नांडिस और अरशद वारसी है। यह 2014 की तमिल फिल्म जिगरता की आधिकारिक रीमेक है, जो खुद 2006 की दक्षिण कोरियाई फिल्म ए डर्टी कार्निवल से प्रेरित थी। निर्देशक फरहाद सामजी द्वारा लिखित साजिद नाडियाडवाला, फरहाद सामजी, तुषार हीरा नंदानी, ईश्वर्ष खेत्रपाल, ताशा भामरा, जीशान कादरी पर आधारित जिगर ठंडा कार्तिक सुब्बाराज द्वारा निर्मित साजिद नाडियाडवाला, अभिनीत अक्षय कुमार, कृति सनोन, जैकलिन फर्नांडिस, अरशद वारसी, पंकज त्रिपाठी, छायांकन गैबेमिक यू आर्य द्वारा संपादित चारुश्री राय, संगीत दिया है जूलियस पैकियम, प्रोडक्शन कंपनी नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित ए फिल्म्स, रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022, कार्यकारी समय 146 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 165 करोड़, बॉक्स ऑफिस 73.17 करोड़। फिल्म 18 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। भूखंड एक नवोदित निर्देशक मायरा देविकर को एक निर्माता द्वारा एक फिल्म बनाने के लिए एक मनोरंजक और हिंसक गैंगस्टर कहानी के साथ आने का काम दिया जाता है। निर्माता के व्यावसायिक दृष्टिकोण और यथार्थवादी फिल्म बनाने की उसकी भूख को संतुष्ट करने के लिए वह पटकथा के लिए एक वास्तविक जीवन के गैंगस्टर के जीवन का अध्ययन करने का फैसला करती है। उसके व्यापक शोध से बगवा के एक आंख वाले बच्चन पांडे को खतरा पैदा होता है, जो एक क्रूर गैंगस्टर है जो विचित्र लेकिन डरावने गुंडे से घिरा हुआ है।
मायरा बगवा जाती है, जहाँ वह अपने सबसे अच्छे दोस्त बिशु से मिलती है और उसे बचपन पर अपने फिल्म विचार के बारे में बताती है। बिशु आग बबूला हो जाता है और उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन बाद में उसे फिल्म में उसकी मदद करने के लिए मना लिया जाता है। बिशु और मायरा दोनों बच्चन के करीब आने के प्रयास में उसके गुंडों को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। बर्जिन गुंडों में से एक उन्हें अपनी पूर्व प्रेमिका सोफी के बारे में बताता है, जिसे पूर्व द्वारा मार दिया गया था। बिशु और मायरा बच्चन के साथ उनकी बातचीत को सुनने के लिए बर्जिन के मोबाइल फ़ोन में एक माइक्रोफोन लगाते हैं। बाद में यह पता चलता है कि बर्जिन एक अन्य अपराधी राणा लोहिया के लिए बच्चन को धोखा दे रहा था, लेकिन उसके द्वारा पकड़ा गया और मार डाला गया। बिशु और मायरा मर्डर को माइक्रोफोन के जरिए सुनते हैं, लेकिन बच्चन के गिरोह द्वारा पकड़े जाते हैं। बच्चन बिशु और मायरा को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मायरा एक गैंगस्टर फिल्म का निर्देशन कर रही है, तो इस शर्त के तहत कि वह फिल्म के नायक की भूमिका निभाएगा, उन्हें छोड़ने के लिए सहमत हो गया। मायरा शुरू में स्वीकार नहीं करती है, लेकिन बच्चन अपने निर्माता का अपहरण कर लेता है और मायरा को स्क्रिप्ट विकसित करने के लिए उसकी बैक स्टोरी सुनने के लिए मजबूर किया जाता है। फ्लैशबैक में बच्चन एक भ्रष्ट राजनीतिक लालची भगत के लिए काम करता है। विवाद के बाद राजनीतिज्ञ ने बच्चन की प्रेमिका सोफी की हत्या करवा दी। प्रतिशोध में बच्चन ने अस्पताल में भगत की हत्या कर दी, जहां उसे घाव के लिए भर्ती कराया गया था। बच्चन और उनके गुंडे अभिनय करना नहीं जानते हैं, इसलिए वे एक अभिनय कोच भावेश भोपालो के माध्यम से सीखते हैं। भावेश बच्चन और उसके गुंडों को मारता है और धमकाता है और अपमानित करता है उनके चिराग के लिए बहुत कुछ। फिर भी मायरा उन्हें फिल्म की खातिर भावेश को नुकसान पहुंचाने से मना कर करती है। बच्चन और मायरा जल्द ही एक दूसरे के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। फिल्म अंततः पूरी हो गई है फिर और सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। बच्चन और उनके गुंडे शुरू में उत्साहित हो जाते हैं और बीपी नाम की फिल्म को बढ़ावा देते हैं, यह सोचते हुए कि यह किरकिरा गैंगस्टर नामा है जिसकी मार्केटिंग की गई थी। उनके आतंक के लिए फिल्म एक कॉमेडी बन जाती है, जो उन्हें नकारात्मक रूप से चित्रित करती है। दूसरी ओर मायरा की फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित होती है और उसे अपने मीडिया और उसके निर्देशक से प्रशंसा मिलती है, जो अक्सर उसकी बहुत आलोचना करते थे। बच्चन और गुंडे लोगों में उसका डर गायब करने के लिए उसे मारने का फैसला करते हैं, लेकिन बाद में उसे बचाते हैं क्योंकि बच्चन दिल से विकसित हो जाते हैं और अपनी कहानी सुनाते हैं कि उनकी माँ सुनने के लिए उनके कान बज रहे थे और उनके प्रशंसक भी प्रभावित हुए उसके द्वारा। बच्चन बाद में एक स्टार बन जाता है और काणी बच्चन का करीबी गुंडा बोर्स फिल्में देखने की अपनी आदत छोड़ देते हैं। विशु को एक अनाम फिल्म में मुख्य भूमिका मिलती है। भावेश भोपलो सर्वश्रेष्ठ अभिनय शिक्षक बन जाते हैं। बच्चन सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के रूप में पहचाने जाते हैं और मायरा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में। वह अपनी माँ का भी सम्मान अर्जित करता है, जिसने 10 वर्षों में उसे बात नहीं की है। वह अपराधी बनना छोड़ देता है और अभिनेता बन जाता है। फेंकना गैंगस्टर बच्चन पांडे के रूप में अक्षय कुमार, मायरा देविकर के रूप में कृति सेनन, बच्चन की प्रेमिका और निर्देशक सोफी, बच्चन की दिवंगत प्रेमिका के रूप में जैकलिन फर्नांडिस, विश्वकांत महात्रे, विशु के रूप में अरशद वारसी, मायरा के सबसे अच्छे दोस्त पंकज त्रिपाठी, गुरुजी भावेश भोपलो के रूप में बर्जिन के रूप में प्रतीक बब्बर, बफरिया चाचा के रूप में संजय मिश्रा, पेंडुलम के रूप में अभिमन्यु सिंह, जम्बो के रूप में स्नेहल डावी, कांडी के रूप में शहर्ष कुमार गुप्ता, निर्माता राकेश वर्मा के रूप में अश्विन मुशरान, संतोष कुमार शुक्ल, सूर्यकांत मिश्रा के रूप में फिल्म निर्देशक के रूप में साजिद नाडियाडवाला, फिल्म निर्देशक के रूप में अहमद खान, पिंकी के रूप में अरुषा खान, मंत्री लालची लालच के रूप में मोहन अगाशे, श्रीमती पांडे बच्चन की मां के रूप में सीमा विश्वास, स्मिता के रूप में त्रिशा सिंह, बर्जिन की पत्नी सुरेंद्र राजन, मिदे देवेकर, मायरा के पिता के रूप में क्राइम रिपोर्टर के रूप में डॉली ठाकुर, के निर्देशक के रूप में नासिर अब्दुल्ला, भीम के रूप में गौरव चोपड़ा, बुलेट के रूप में नेत्राम तिवारी, कादरी के रूप में सुनील पाड़ूकर, गुलेरिया के रूप में अरुण खेडवाल, एंकर के रूप में विपुल राय, संगीत
बच्चन पांडे द्वारा साउंडट्रैक एल्बम अमाल मलिक, बी प्राक, जानी विक्रम, मोन्ट्रोस और राय मुक्त 17 मार्च 2022। शैली पिक्चर फिल्म साउंडट्रैक, लंबाई 17:55। लेवल टी सीरीज, निर्माता भूषण कुमार। फिल्म का संगीत अमाल मलिक, बी प्राक, जानी विक्रम, मोन्ट्रोस और राय द्वारा रचित है, जबकि गीत कुमार, जानी, फरहाद, भिवंडी वाला, विक्रम मोन्ट्रोस और अजीम दयानी द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जूलियस पैकियम द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 मार्क हेगा। इस गाने के बोल फरहाद, भिखंडी वाला, विक्रम मोन्ट्रोस और अजीम दयानी ने लिखे हैं। संगीत विक्रम मोन्ट्रोस ने दिया है। गायकार, इस गाने के गायकार फरहाद, भिवंडी वाला और विक्रम मोन्ट्रोस हैं। गाना नंबर 2 मेरी जान बोल जानी की हैं और गायकार वी प्राक हैं। गाना नंबर 3 सारे बोलो बे बहारे जानी और इस गाने के गायकार, संगीत दिया है जानी ने और इस गाने के गायकार वी प्राक हैं। गाना नंबर 4 ही रांझरा बोल लिखे कुमार ने, संगीत दिया है अमाल मलिक ने और इस गाने के गायकार अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल हैं। गाना नंबर 5 सीटी थीम बोल सहायक द्वारा है, संगीत राय ने दिया है और इस गाने के गायकार सहायक हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको बच्चन पांडे मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्य के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। बच्चन पांडे फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, कृति सनोन, जैकलिन फर्नांडिस और अरशद वारसी है। यह 2014 की तमिल फिल्म जिगरता की आधिकारिक रीमेक है, जो खुद 2006 की दक्षिण कोरियाई फिल्म की डर्टी कार्निवल से प्रेरित थी। निर्देशक फरहाद सामजी द्वारा लिखित साजिद नाडियाडवाला, फरहाद सामजी, तुषार हीरा नंदानी, ईश्वर्ष खेत्रपाल, ताशा भामरा, जीशान कादरी पर आधारित जिगर ठंडा कार्तिक सुब्बाराज द्वारा निर्मित साजिद नाडियाडवाला, अभिनीत अक्षय कुमार, कृति सनोन, जैकलिन फर्नांडिस, अरशद वारसी, पंकज त्रिपाठी, छायांकन गैबेमिक यूआरए द्वारा संपादित चारुश्री राय, संगीत दिया है जूलियस पैकियम, प्रोडक्शन कंपनी नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित ए फिल्म्स। रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022। कार्यकारी समय 140 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 165 करोड़, बॉक्स ऑफिस 73.17 करोड़। फिल्म 18 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। भूखंड, एक नवोदित निर्देशक मायरा देविकर को एक निर्माता द्वारा एक फिल्म बनाने के लिए एक मनोरंजक और हिंसक गैंगस्टर कहानी के साथ आने का काम दिया जाता है। निर्माता के व्यावसायिक दृष्टिकोण और यथार्थवादी फिल्म बनाने की उसकी भूख को संतुष्ट करने के लिए वह पटकथा के लिए एक वास्तविक जीवन के गैंगस्टर के जीवन का अध्ययन करने का फैसला करती है। उसके व्यापक शोध से बगवा के एक आंख वाले बच्चन पांडे को खतरा पैदा होता है, जो एक क्रूर गैंगस्टर है जो विचित्र लेकिन डरावने गुंडे से घिरा हुआ है। मायरा बगवा जाती है, जहाँ वह अपने सबसे अच्छे दोस्त बिशु से मिलती है और उसे बचपन पर अपने फिल्म विचार के बारे में बताती है। बिशु आग बबूला हो जाता है और उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन बाद में उसे फिल्म में उसकी मदद करने के लिए मना लिया जाता है। बिशु और मायरा दोनों बच्चन के करीब आने के प्रयास में उसके गुंडों को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं।
भर्जिन गुंडों में से एक उन्हें अपनी पूर्व प्रेमिका सोफी के बारे में बताता है जिसे पूर्व द्वारा मार दिया गया था। बिशु और मायरा बच्चन के साथ उनकी बातचीत को सुनने के लिए भर्जिन के मोबाइल फ़ोन में एक माइक्रोफोन लगाते हैं। बाद में यह पता चलता है कि भर्जिन एक अन्य अपराधी राणा लोहिया के लिए बच्चन को धोखा दे रहा था, लेकिन उसके द्वारा पकड़ा गया और मार डाला गया। बिशु और मायरा मर्डर को माइक्रोफोन के जरिए सुनते हैं, लेकिन बच्चन के गिरोह द्वारा पकड़े जाते हैं। बच्चन बिशु और मायरा को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मायरा एक गैंगस्टर फिल्म का निर्देशन कर रही है, तो इस शर्त के तहत कि वह फिल्म के नायक की भूमिका निभाएगा, उन्हें छोड़ने के लिए सहमत हो गया। मायरा शुरू में स्वीकार नहीं करती है, लेकिन बच्चन अपने निर्माता का अपहरण कर लेता है और मायरा को स्क्रिप्ट विकसित करने के लिए उसकी बैक स्टोरी सुनने के लिए मजबूर किया जाता है। फ्लैशबैक में बच्चन एक भ्रष्ट राजनीतिक लालची भगत के लिए काम करता है। विवाद के बाद राजनीतिज्ञ ने बच्चन की प्रेमिका सोफी की हत्या करवा दी। प्रतिशोध में बच्चन ने अस्पताल में भगत की हत्या कर दी, जहां उसे घाव के लिए भर्ती कराया गया था। बच्चन और उनके गुंडे अभिनय करना नहीं जानते हैं, इसलिए वे एक अभिनय कोच भावेश भोपालो के माध्यम से सीखते हैं। भावेश बच्चन और उसके गुंडों को मारता है और धमकाता है और अपमानित करता है उनके चिराग के लिए बहुत कुछ। फिर भी मायरा उन्हें फिल्म की खातिर भावेश को नुकसान पहुंचाने से मना कर करती है। बच्चन और मायरा जल्द ही एक दूसरे के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। फिल्म अंततः पूरी हो गई है, फिर और सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। बच्चन और उनके गुंडे शुरू में उत्साहित होते हैं हो जाते हैं और बीपी नाम की फिल्म को बढ़ावा देते हैं, यह सोचते हुए कि यह किरकिरा गैंगस्टर नामा है जिसकी मार्केटिंग की गई थी। उनके आतंक के लिए फिल्म एक कॉमेडी बन जाती है जो उन्हें नकारात्मक रूप से चित्रित करती है। दूसरी ओर मायरा की फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित होती है और उसे अपने मीडिया और उसके निर्देशक से प्रशंसा मिलती है, जो अक्सर उसकी बहुत आलोचना करते थे। बच्चन और गुंडे लोगों में उसका डर गायब करने के लिए उसे मारने का फैसला करते हैं, लेकिन बाद में उसे बचते हैं क्योंकि बच्चन दिल से विकसित हो जाते हैं और अपनी कहानी सुनाते हैं कि उनकी माँ सुनने के लिए उनके कान बज रहे थे और उनके प्रशंसक भी प्रभावित हुए उसके द्वारा। बच्चन बाद में एक स्टार बन जाता है और काली बच्चन का करीबी गुंडा बोर्न फिल्में देखने की अपनी आदत छोड़ देते हैं। विशु को एक अनाम फिल्म में मुख्य भूमिका मिलती है। भावेश भोपलो सर्वश्रेष्ठ अभिनय शिक्षक बन जाते हैं। बच्चन सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के रूप में पहचाने जाते हैं और मायरा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में। वह अपनी माँ का भी सम्मान अर्जित करता है जिसने 10 वर्षों में उसे बात नहीं की है। वह अपराधी बनना छोड़ देता है और अभिनेता बन जाता है। फेंकना गैंगस्टर बच्चन पांडे के रूप में अक्षय कुमार, मायरा देविकर के रूप में कृति सेनन, बच्चन की प्रेमिका और निर्देशक सोफी, बच्चन की दिवंगत प्रेमिका के रूप में जैकलिन फर्नांडिस, विश्वकांत महात्रे, विशु के रूप में अरशद वारसी, मायरा के सबसे अच्छे दोस्त पंकज त्रिपाठी, गुरुजी भावेश भोपलो के रूप में भर्जिन के रूप में प्रतीक बब्बर, बफरिया चाचा के रूप में संजय मिश्रा, पेंडुलम के रूप में अभिमन्यु सिंह, जम्बो के रूप में स्नेहल डावी, कांडी के रूप में शहर्ष कुमार गुप्ता, निर्माता राकेश वर्मा के रूप में अश्विन मुशरान, संतोष कुमार शुक्ल, सूर्यकांत मिश्रा के रूप में फिल्म निर्देशक के रूप में साजिद नाडियाडवाला, फिल्म निर्देशक के रूप में अहमद खान, पिंकी के रूप में अरुषा खान, मंत्री लालची लालच के रूप में मोहन अगाशे, श्रीमती पांडे बच्चन की मां के रूप में सीमा विश्वास, स्मिता के रूप में त्रिशा सिंह, बर्जिन की पत्नी सुरेंद्र राजन, मिदे देवेकर, मायरा के पिता के रूप में क्राइम रिपोर्टर के रूप में डॉली ठाकुर, के निर्देशक के रूप में नासिर अब्दुल्ला, भीम के रूप में गौरव चोपड़ा, बुलेट के रूप में नेत्राम तिवारी, कादरी के रूप में सुनील पाड़ूकर, गुलेरिया के रूप में अरुण खेडवाल, एंकर के रूप में विपुल राय, संगीत बच्चन पांडे द्वारा साउंडट्रैक एल्बम अमाल मलिक, बी प्राक, जानी विक्रम, मोन्ट्रोस और राय मुक्त 17 मार्च 2022, शैली पिक्चर फिल्म साउंडट्रैक, लंबाई 17:55, लेवल टी सीरीज, निर्माता भूषण कुमार, फिल्म का संगीत अमाल मलिक, बी प्राक,
जानी विक्रम मोंट्रोस और राय द्वारा रचित है, जबकि गीत कुमार जानी फरहाद भिवंडी वाला विक्रम मोंट्रोस और अजीम दयानी द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जूलियस पैकियम द्वारा रचित है। गाना नंबर एक मार्क हेगा। इस गाने के बोल फरहाद भिवंडी वाला विक्रम मोंट्रोस और अजीम दयानी ने लिखे हैं। संगीत विक्रम मोंट्रोस ने दिया है। गायकार इस गाने के गायकार फरहाद भिवंडी वाला और विक्रम मोंट्रोस हैं। गाना नंबर दो मेरी जान बोल जानी की हैं और गायकार वी प्राग हैं। गाना नंबर तीन सारे बोलो बेबारे जानी और इस गाने के गायकार संगीत दिया है जानी ने और इस गाने के गायकार वी प्राग हैं। गाना नंबर चार ही रांझरा बोल लिखे कुमार ने, संगीत दिया है अमाल मलिक ने और इस गाने के गायकार अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल हैं। गाना नंबर पाँच सीटी थीम बोल सहायक द्वारा है, संगीत राय ने दिया है और इस गाने के गायकार सहायक हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको बच्चन पांडे मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्य के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। बच्चन पांडे। बच्चन पांडे फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, कृति सनोन, जैकलिन फर्नांडिस और अरशद वारसी है। यह 2014 की तमिल फिल्म जिगरता की आधिकारिक रीमेक है, जो खुद 2006 की दक्षिण कोरियाई फिल्म की डर्टी कार्निवल से प्रेरित थी। निर्देशक फरहाद सामजी द्वारा लिखित साजिद नाडियाडवाला, फरहाद सामजी, तुषार हीरा नंदानी, ईश्वर्ष खेत्रपाल, ताशा भामरा, जीशान कादरी पर आधारित जिगर ठंडा कार्तिक सुब्बाराज द्वारा निर्मित साजिद नाडियाडवाला, अभिनीत अक्षय कुमार, कृति सनोन, जैकलिन फर्नांडिस, अरशद वारसी, पंकज त्रिपाठी, छायांकन गैबेमिक यू आर्य द्वारा संपादित चारुश्री राय, संगीत दिया है जूलियस पैकियम, प्रोडक्शन कंपनी नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित ए फिल्म्स। रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022। कार्यकारी समय 140 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 165 करोड़। बॉक्स ऑफिस 73.17 करोड़। फिल्म 18 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। भूखंड। एक नवोदित निर्देशक मायरा देविकर को एक निर्माता द्वारा एक फिल्म बनाने के लिए एक मनोरंजक और हिंसक गैंगस्टर कहानी के साथ आने का काम दिया जाता है। निर्माता के व्यावसायिक दृष्टिकोण और यथार्थवादी फिल्म बनाने की उसकी भूख को संतुष्ट करने के लिए वह पटकथा के लिए एक वास्तविक जीवन के गैंगस्टर के जीवन का अध्ययन करने का फैसला करती है। उसके व्यापक शोध से बगवा के एक आंख वाले बच्चन पांडे को खतरा पैदा होता है, जो एक क्रूर गैंगस्टर है जो विचित्र लेकिन डरावने गुंडे से घिरा हुआ है। मायरा बगवा जाती है, जहाँ वह अपने सबसे अच्छे दोस्त बिशु से मिलती है और उसे बचपन पर अपने फिल्म विचार के बारे में बताती है। बिशु आग बबूला हो जाता है और उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन बाद में उसे फिल्म में उसकी मदद करने के लिए मना लिया जाता है। बिशु और मायरा दोनों बच्चन के करीब आने के प्रयास में उसके गुंडों को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। भर्जिन गुंडों में से एक उन्हें अपनी पूर्व प्रेमिका सोफी के बारे में बताता है, जिसे पूर्व द्वारा मार दिया गया था। बिशु और मायरा बच्चन के साथ उनकी बातचीत को सुनने के लिए वर्जिन के मोबाइल फ़ोन में एक माइक्रोफोन लगाते हैं। बाद में यह पता चलता है कि वर्जिन एक अन्य अपराधी
राणा लोहिया के लिए बच्चन को धोखा दे रहा था, लेकिन उसके द्वारा पकड़ा गया और मार डाला गया। विशु और मायरा मर्डर को माइक्रोफोन के जरिए सुनते हैं, लेकिन बच्चन के गिरोह द्वारा पकड़े जाते हैं। बच्चन विशु और मायरा को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मायरा एक गैंगस्टर फिल्म का निर्देशन कर रही है, तो इस शर्त के तहत कि वह फिल्म के नायक की भूमिका निभाएगा, उन्हें छोड़ने के लिए सहमत हो गया। मायरा शुरू में स्वीकार नहीं करती है, लेकिन बच्चन अपने निर्माता का अपहरण कर लेता है और मायरा को स्क्रिप्ट विकसित करने के लिए उसकी बैक स्टोरी सुनने के लिए मजबूर किया जाता है। फ्लैशबैक में बच्चन एक भ्रष्ट राजनीतिक लालची भगत के लिए काम करता है। विवाद के बाद राजनीतिज्ञ ने बच्चन की प्रेमिका सोफी की हत्या करवा दी। प्रतिशोध में बच्चन ने अस्पताल में भगत की हत्या कर दी, जहां उसे घाव के लिए भर्ती कराया गया था। बच्चन और उनके गुंडे अभिनय करना नहीं जानते हैं, इसलिए वे एक अभिनय कोच भावेश भोपालो के माध्यम से सीखते हैं। भावेश बच्चन और उसके गुंडों को मारता है और धमकाता है और अपमानित करता है उनके चिराग के लिए बहुत कुछ। फिर भी मायरा उन्हें फिल्म की खातिर भावेश को नुकसान पहुंचाने से मना कर करती है। बच्चन और मायरा जल्द ही एक दूसरे के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। फिल्म अंततः पूरी हो गई है, फिर और सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। बच्चन और उनके गुंडे शुरू में उत्साहित होते हैं हो जाते हैं और बीपी नाम की फिल्म को बढ़ावा देते हैं, यह सोचते हुए कि यह किरकिरा गैंगस्टर नामा है जिसकी मार्केटिंग की गई थी। उनके आतंक के लिए फिल्म एक कॉमेडी बन जाती है, जो उन्हें नकारात्मक रूप से चित्रित करती है। दूसरी ओर मायरा की फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित होती है और उसे अपने मीडिया और उसके निर्देशक से प्रशंसा मिलती है, जो अक्सर उसकी बहुत आलोचना करते थे। बच्चन और गुंडे लोगों में उसका डर गायब करने के लिए उसे मारने का फैसला करते हैं, लेकिन बाद में उसे बचते हैं क्योंकि बच्चन दिल से विकसित हो जाते हैं और अपनी कहानी सुनाते हैं कि उनकी माँ सुनने के लिए उनके कान बज रहे थे और उनके प्रशंसक भी प्रभावित हुए उसके द्वारा। बच्चन बाद में एक स्टार बन जाता है और काली बच्चन का करीबी गुंडा बोर्न फिल्म में देखने कि अपनी आदत छोड़ देते हैं। विशु को एक अनाम फिल्म में कुछ में मुख्य भूमिका मिलती है। भावेश भोपलो सर्वश्रेष्ठ अभिनय शिक्षक बन जाते हैं। बच्चन सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के रूप में पहचाने जाते हैं और मायरा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में। वह अपनी माँ का भी सम्मान अर्जित करता है, जिसने 10 वर्षों में उसे बात नहीं की है। वह अपराधी बनना छोड़ देता है और अभिनेता बन जाता है। फेंकना गैंगस्टर बच्चन पांडे के रूप में अक्षय कुमार, मायरा देविकर के रूप में कृति सेनन, बच्चन की प्रेमिका और निर्देशक सोफी, बच्चन की दिवंगत प्रेमिका के रूप में जैकलिन फर्नांडिस, विश्वकांत महात्रे, विशु के रूप में अरशद वारसी, मायरा के सबसे अच्छे दोस्त पंकज त्रिपाठी, गुरुजी भावेश भोपलो के रूप में बर्जिन के रूप में प्रतीक बब्बर, बफरिया चाचा के रूप में संजय मिश्रा, पेंडुलम के रूप में अभिमन्यु सिंह, जम्बो के रूप में स्नेहल डावी, कांडी के रूप में शहर्ष कुमार गुप्ता, निर्माता राकेश वर्मा के रूप में अश्विन मुशरान, संतोष कुमार शुक्ल, सूर्यकांत मिश्रा के रूप में फिल्म निर्देशक के रूप में साजिद नाडियाडवाला, फिल्म निर्देशक के रूप में अहमद खान, पिंकी के रूप में अरुषा खान, मंत्री लालची लालच के रूप में मोहन अगाशे, श्रीमती पांडे बच्चन की मां के रूप में सीमा विश्वास, स्मिता के रूप में त्रिशा सिंह, बर्जिन की पत्नी सुरेंद्र राजन, मिदे देवेकर, मायरा के पिता के रूप में क्राइम रिपोर्टर के रूप में डॉली ठाकुर, के निर्देशक के रूप में नासिर अब्दुल्ला, भीम के रूप में गौरव चोपड़ा, बुलेट के रूप में नेत्राम तिवारी, कादरी के रूप में सुनील पाड़ूकर, गुलेरिया के रूप में अरुण खेडवाल, एंकर के रूप में विपुल राय, संगीत बच्चन पांडे द्वारा साउंडट्रैक एल्बम अमाल मलिक, बी प्राक, जानी विक्रम, मोन्ट्रोस और राय मुक्त 17 मार्च 2022, शैली पिक्चर फिल्म साउंडट्रैक, लंबाई 17:55, लेवल टी सीरीज, निर्माता भूषण कुमार, फिल्म का संगीत अमाल मलिक, बी प्राक, जानी विक्रम, मोन्ट्रोस और राय द्वारा रचित है, जबकि गीत कुमार, जानी, फरहत, भिवंडी वाला, विक्रम मोन्ट्रोस और अजीम दयानी द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जूलियस पैकियम द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 मार्क हेगा, इस गाने के बोल
फिर हाथ भिखंडी वाला विक्रम मेंट्रोस और अजीम दयानी ने लिखे हैं, संगीत विक्रम मेंट्रोस ने दिया है, गायकार इस गाने के गायकार फरहाद भिवंडी वाला और विक्रम मेंट्रोस हैं। गाना नंबर दो मेरी जान बोल जाने की है और गायकार वी प्राग हैं। गाना नंबर तीन सारे बोलो बेबारे जानी और इस गाने के गायकार संगीत दिया है जानी ने और इस गाने के गायकार वी प्राग हैं। गाना नंबर चार ही रांझरा बोल लिखे कुमार ने, संगीत दिया है अमाल मलिक ने और इस गाने के गायकार अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल हैं। गाना नंबर पाँच सीटी थीम बोल सहायक द्वारा है, संगीत राय ने दिया है और इस गाने के गायकार सहायक हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको बच्चन पांडे मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्य के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। बच्चन पांडे, बच्चन पांडे फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, कृति सनोन, जैकलिन फर्नांडिस और अरशद वारसी है। यह 2014 की तमिल फिल्म जिगरदा की आधिकारिक रीमेक है, जो खुद 2006 की दक्षिण कोरियाई फिल्म ए डर्टी कार्निवल से प्रेरित थी। निर्देशक फरहाद सामजी द्वारा लिखित साजिद नाडियाडवाला, फरहाद सामजी, तुषार हीरा नंदानी, ईश्वर्ष खेत्रपाल, ताशा भामरा, जीशान कादरी पर आधारित जिगर ठंडा कार्तिक सुब्बाराज द्वारा निर्मित साजिद नाडियाडवाला, अभिनीत अक्षय कुमार, कृति सनोन, जैकलिन फर्नांडिस, अरशद वारसी, पंकज त्रिपाठी, छायांकन गैबेमिक यू आर द्वारा संपादित चारुश्री राय, संगीत दिया है जूलियस पैकियम, प्रोडक्शन कंपनी नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित ए फिल्म्स। रिलीज की तारीख 18 मार्च 2022, कार्यकारी समय 140 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 165 करोड़, बॉक्स ऑफिस 73.17 करोड़। फिल्म 18 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। भूखंड, एक नवोदित निर्देशक मायरा देविकर को एक निर्माता द्वारा एक फिल्म बनाने के लिए एक मनोरंजक और हिंसक गैंगस्टर कहानी के साथ आने का काम दिया जाता है। निर्माता के व्यावसायिक दृष्टिकोण और यथार्थवादी फिल्म बनाने की उसकी भूख को संतुष्ट करने के लिए वह पटकथा के लिए एक वास्तविक जीवन के गैंगस्टर के जीवन का अध्ययन करने का फैसला करती है। उसके व्यापक शोध से बगवा के एक आँख वाले बच्चन पांडे को खतरा पैदा होता है, जो एक क्रूर गैंगस्टर है जो विचित्र लेकिन डरावने गुंडे से घिरा हुआ है। मायरा बगवा जाती है, जहां वह अपने सबसे अच्छे दोस्त बिशु से मिलती है और उसे बचपन पर अपने फिल्म विचार के बारे में बताती है। बिशु आग बबूला हो जाता है और उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन बाद में उसे फिल्म में उसकी मदद करने के लिए मना लिया जाता है। बिशु और मायरा दोनों बच्चन के करीब आने के प्रयास में उसके गुंडों को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। भर्जिन गुंडों में से एक उन्हें अपनी पूर्व प्रेमिका सोफी के बारे में बताता है, जिसे पूर्व द्वारा मार दिया गया था। बिशु और मायरा बच्चन के साथ उनकी बातचीत को सुनने के लिए भर्जिन के मोबाइल फ़ोन में एक माइक्रोफोन लगाते हैं। बाद में यह पता चलता है कि भर्जिन एक अन्य अपराधी राणा लोहिया के लिए बच्चन को धोखा दे रहा था, लेकिन उसके द्वारा पकड़ा गया और मार डाला गया। बिशु और मायरा मर्डर को माइक्रोफोन के जरिए सुनते हैं, लेकिन बच्चन के गिरोह द्वारा पकड़े जाते हैं। बच्चन बिशु और मायरा को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मायरा एक गैंगस्टर फिल्म का निर्देशन कर रही है
तो इस शर्त के तहत कि वह फिल्म के नायक की भूमिका निभाएगा उन्हें छोड़ने के लिए सहमत हो गया। मायरा शुरू में स्वीकार नहीं करती है, लेकिन बच्चन अपने निर्माता का अपहरण कर लेता है और मायरा को स्क्रिप्ट विकसित करने के लिए उसकी बैक स्टोरी सुनने के लिए मजबूर किया जाता है। फ्लैशबैक में बच्चन एक भ्रष्ट राजनीतिक लालची भगत के लिए काम करता है। विवाद के बाद राजनीतिज्ञ ने बच्चन की प्रेमिका सोफी की हत्या करवा दी। प्रतिशोध में बच्चन ने अस्पताल में भगत की हत्या कर दी, जहां उसे घाव के लिए भर्ती कराया गया था। बच्चन और उनकी गुंडे अभिनय करना नहीं जानते हैं, इसलिए वे एक अभिनय कोच भावेश भोपालो के माध्यम से सीखते हैं। भावेश बच्चन और उसके गुंडों को मारता है और धमकाता है और अपमानित करता है उनके चिराग के लिए बहुत कुछ। फिर भी मायरा उन्हें फिल्म की खातिर भावेश को नुकसान पहुंचाने से मना कर करती है। बच्चन और मायरा जल्द ही एक दूसरे के लिए भावनाओं को विकसित करते हैं। फिल्म अंततः पूरी हो गई है फिर और सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। बच्चन और उनके गुंडे शुरू में उत्साहित होते हैं हो जाते हैं और बीपी नाम की फिल्म को बढ़ावा देते हैं, यह सोचते हुए कि यह किरकिरा गैंगस्टर नामा है जिसकी मार्केटिंग की गई थी। उनके आतंक के लिए फिल्म एक कॉमेडी बन जाती है जो उन्हें नकारात्मक रूप से चित्रित करती है। दूसरी ओर मायरा की फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित होती है और उसे अपने मीडिया और उसके निर्देशक से प्रशंसा मिलती है जो अक्सर उसकी बहुत आलोचना करते थे। बच्चन और गुंडे लोगों में उसका डर गायब करने के लिए उसे मारने का फैसला करते हैं, लेकिन बाद में उसे बचते हैं क्योंकि बच्चन दिल से विकसित हो जाते हैं और अपनी कहानी सुनाते हैं कि उनकी माँ सुनने के लिए उनके कान बज रहे थे और उनके प्रशंसक भी प्रभावित हुए उसके द्वारा। बच्चन बाद में एक स्टार बन जाता है और काणी बच्चन का करीबी गुंडा बोरेंस फिल्में देखने की अपनी आदत छोड़ देते हैं। विशु को एक अनाम फिल्म में कुछ में मुख्य भूमिका मिलती है। भावेश भोपलो सर्वश्रेष्ठ अभिनय शिक्षक बन जाते हैं। बच्चन सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के रूप में पहचाने जाते हैं और मायरा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में। वह अपनी माँ का भी सम्मान अर्जित करता है जिसने 10 वर्षों में उसे बात नहीं की है। वह अपराधी बनना छोड़ देता है और अभिनेता बन जाता है। फेंकना गैंगस्टर बच्चन पांडे के रूप में अक्षय कुमार, मायरा देवीकर के रूप में कृति सेनन, बच्चन की प्रेमिका और निर्देशक सोफी, बच्चन की दिवंगत प्रेमिका के रूप में जैकलिन फर्नांडिस, विश्वकांत महात्रे, विशु के रूप में अरशद वारसी, मायरा के सबसे अच्छे दोस्त पंकज त्रिपाठी, गुरुजी भावेश भोपलो के रूप में बर्जिन के रूप में प्रतीक बब्बर, बफरिया चाचा के रूप में संजय मिश्रा, पेंडुलम के रूप में अभिमन्यु सिंह, जम्बो के रूप में स्नेहल डावी, कांडी के रूप में शहर्ष कुमार गुप्ता, निर्माता राकेश वर्मा के रूप में अश्विन मुशरान, संतोष कुमार शुक्ल, सूर्यकांत मिश्रा के रूप में फिल्म निर्देशक के रूप में साजिद नाडियाडवाला, फिल्म निर्देशक के रूप में अहमद खान, पिंकी के रूप में अरुषा खान, मंत्री लालची लालच के रूप में मोहन अगाशे, श्रीमती पांडे बच्चन की मां के रूप में सीमा विश्वास, स्मिता के रूप में त्रिशा सिंह, बर्जिन की पत्नी सुरेंद्र राजन, मिदे देवेकर, मायरा के पिता के रूप में क्राइम रिपोर्टर के रूप में डॉली ठाकुर, के निर्देशक के रूप में नासिर अब्दुल्ला, भीम के रूप में गौरव चोपड़ा, बुलेट के रूप में नेत्राम तिवारी, कादरी के रूप में सुनील पाड़ूकर, गुलेरिया के रूप में अरुण खेडवाल, एंकर के रूप में विपुल राय, संगीत बच्चन पांडे द्वारा साउंडट्रैक एल्बम अमाल मलिक, बी प्राक, जानी विक्रम, मोन्ट्रोस और राय मुक्त 17 मार्च 2022, शैली पिक्चर फिल्म साउंडट्रैक, लंबाई 17:55, लेवल टी सीरीज, निर्माता भूषण कुमार, फिल्म का संगीत अमाल मलिक, बी प्राक, जानी विक्रम, मोन्ट्रोस और राय द्वारा रचित है, जबकि गीत कुमार, जानी, फरहत, भिवंडी वाला, विक्रम मोन्ट्रोस और अजीम दयानी द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जूलियस पैकियम द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 मार्क हेगा, इस गाने के बोल फरहत भिखंडी वाला, विक्रम मोन्ट्रोस और अजीम दयानी ने लिखे हैं। संगीत विक्रम मोन्ट्रोस ने दिया है। गायकार इस गाने के गायकार फरहत भिवंडी वाला और विक्रम मोन्ट्रोस है। गाना नंबर 2 मेरी जान बोल जानी की है
और गायकार वी प्राग हैं। गाना नंबर 3 सारे बोलो बेवफारे जानी, और इस गाने के गायकार संगीत दिया है जानी ने, और इस गाने के गायकार वी प्राग हैं। गाना नंबर 4 ही रांझा बोल लिखे कुमार ने, संगीत दिया है अमाल मलिक ने, और इस गाने के गायकार अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल हैं। गाना नंबर 5 सीटी थीम बोल सहायक द्वारा है, संगीत राय ने दिया है, और इस गाने के गायकार सहायक हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।